तमादिदेवं पुरुषोपुराणं तमालवर्णं सहिताबतारं अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भगवतो स्वरूपं। सिसिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी ने बताए, तुम्हारे सारी जिंदगी अगर माया का साथ लड़ाई करते करते गुजर जाए तो उसमें क्या फायदा है। तुम्हारा सारा जिंदगी जो है माया का साथ लड़ाई करते करते माया लड़ाई करते करते पूरा तमाम जिंदगी गुजर गया, उसमें क्या फायदा हुआ। असली भजन कब शुरू करोगे? भजन करने के लिए आए हुए जितने ब्रह्मचारी सन्यासी या तो गृहस्थ जो भी है, भजन तो भजन ही है, वो तो गृहस्थी है तो भजन नहीं करे ऐसा तो बात है नहीं। सबका लिए एक ही विधि है। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर तुम्हारा पूरा जिंदगी माया को जय करने का चक्कर में गुजर गया तो तुम असली भजन जो है कब करोगे, कब संभव है। सुबह में भी बताया था, सबसे बड़ा चक्कर यही है माया से छुटकारा पाना, बेसिक चीज है। हम तो कम से कम 4-5 बार ये बात को कह चुके हैं फिर भी सेटिस्फेक्शन नहीं होता, लगता है कि आप लोगों का कानों में नहीं गया। तो भागवत जी का ये निर्णय है शास्त्रों का, सर्वो जब भी भजन जो भी भजन करो, भजन करने का पहले का पहला जो है पहला स्टेप, उसमें भागवत में बोला लिखा हुआ है सर्व एव मनो निग्रह लक्षणांता। जो भी भजन शुरू करो माने भगवत भजन शुरू करो तो पहला है क्या, मन को बस में लाओ। गीता में भी यही है, पहले भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन जी ने प्रश्न किए, आ भगवान जी इसका उत्तर भी दिए, भगवान उत्तर दिए सुंदर। अर्जुन बोल रहा है कि मन को बस में डाला ये संभव नहीं है, बिल्कुल असंभव है, मन को बस में लाना असंभव है। मन तो ऐसा है कि पागला घोड़े के मापी, भागवत में सुंदर है 10वां स्कंद में जाए वहां देखो, वहां सुंदर है बीजी तो ऋषि को वायु भीर दंत मुन तुरगम, तुरगम मतलब घोड़ा, इसका व्याख्या होगा 10वां स्कंद में। तुरगम मतलब घोड़ा, पागला घोड़ा, पागला घोड़ा का ऊपर सवार होने जाओ तो एक लात लगाएगा, पहले तो झटका लगाकर फेंक दे। मैदान में होता है जो खेलकूद होता है ना मैदान में, वहाँ माउंटेन पुलिस होता है, वहाँ वो सब कंट्रोलिंग करता है। तो एक घोड़ा क्या करता है, जो बदमाशी करता है उसको ऐसा ऊपर उठ के ऐसा दो खोड़ दे के इधर लगा दिया, बस खून निकल जाएगा मुख से ऐसा। और पगला घोड़ा तो पगला घोड़ा ही है, उसका ऊपर सवार होना बहुत मुश्किल। और भगवान श्री कृष्ण बोले तुम ठीक ही कह रहे हो, मन को बस में लाना असंभव है। मनहा दुर्निग्रहम चलम, चलम मना अस्थिर, ये इसको बस में लाना संभव नहीं। भगवान श्री कृष्ण बोला ठीक, आपने ठीक बोला, लेकिन भगवान एक तो रास्ता बताया, अभ्यासेन तु कंती वैराग्येण च गृहते, गो ऑन प्रैक्टिसिंग, गो ऑन प्रैक्टिसिंग अंडर द गाइडेंस ऑफ गुरु वैष्णव। गुरु वैष्णव का अनुगत्य में प्रैक्टिस करते चलो, अनुगत्य में माइंड इट, अपना मनमानी नहीं। अपना मनमानी मन को बस में लाने का कोशिश करो तो हर हालत में पराजित हो जाओगे, लात खाओगे, कोई उपाय नहीं। लेकिन सदगुरु वैष्णव का ऐसा ही महिमा,
सदगुरु वैष्णव का ऐसा ही महिमा, गुरु का अनुगत्व में, सदगुरु का अनुगत्व में करते चलो अभ्यास योग, और देखोगे अभ्यास न तू कंतियम वैराग्यण चृहत, वैराग्य तुम्हारे हाथ में हाथ। मन का जो डिटैचमेंट, विषय से छुटकारा मिलना, नॉट ए मैटर ऑफ जोक, ये कोई मामूली बात नहीं। ये अगर प्राप्ति हो जाए तो उसके बाद बाकी भजन संभव है। पहला, योगी हो, ज्ञानी हो, कोई भी हो, किसी भी मार्ग भजन का ऑथेंटिक मार्ग, ये नहीं बोलना कि जो जो कुछ करे, ऐसा नहीं। जो आपका ज्ञान मार्ग है, कर्मयोगी, ज्ञान योगी, कर्मयोगी में कर्मार्पण जो है, कर्मयोगी, ज्ञान योगी, ध्यान योगी, जो भी है, भक्ति योगी, पहले तो बस सबसे पहले मन को बस में लाओ। अब जब तक मन पूरा कंट्रोल में ना आ जाए, शास्त्रों का वाणी भी ठहरेगा नहीं दिल में, शास्त्रों का जो वाणी है वो ठहरता नहीं। परफेक्ट ब्रह्मचर्य जो है, परफेक्ट डिटैचमेंट सिद्ध हो गया तो जो बोले वही एकदम मैग्नेट का मापी कैच करे। ये हो नहीं पा रहा है, किस लिए बोले महाराज डिटैचमेंट नहीं हुआ विषय से, और ब्रह्मचर्य जो अगर परफेक्ट हुआ बस अभी पावर आएगा, नहीं तो मुश्किल है। तो ये जो भागवत जी महापुराण का पहला श्लोक उच्चारण किया, इसमें उत्तर है संसार सिंधु पार करके जाना चाहते हो कि श्रीमद् भागवत जी महापुराण बोल के जो भगवान का वाङ्मय स्वरूप, ये भागवत जी महापुराण का श्रवण करो। तमादिदेवम पुरुषो पुराणम, तमादिदेव, तम आदिदेवम पुरुषो पुराणम, तुम जो कृष्ण ही हो। तमादिदेवम पुरुषो पुराणम तमालवर्णम सुहितावतारम अपार संसार समुद्र सेतुम भजाम हे भगवतो स्वरूपम। ये भागवत जी महापुराण जो स्वरूप, ये कृष्ण भगवान है, यही है भागवत जी का जो महिमा है। वो शुरुआत किया, शुरुआत में जो व्याख्या किया दो चार श्लोक, इसमें एक ये जो हम अभी बता रहे हैं इसका उत्तर दिया, इधर है महिमा में। ये भागवत जी महापुराण छोड़कर दूसरा कोई साधन है नहीं, ये सुवर्ण कीर्तन, इसको ही शुद्धिर रूप से स्थापित किया गया था, ये बात को, सिद्धांत को। एतस्मात् परम किंचित मनः शुद्धैर न विद्यते, इसको छोड़कर मन को शुद्धि करने वाला, जो शुद्धि करने का जो प्रोसीजियर पद्धति है, इससे बढ़कर और कुछ नहीं। मनोशुद्धैर न विद्यते, जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत, जन्म 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 के बाद पूर्व पूर्व जन्म में अगर सुकृति, भक्तिन्मुखी सुकृति अगर पूंजीभूत हुआ, तभी ये श्रीमद् भागवत जी महापुराण श्रवण करने का अवसर मिलता है। सुबह में हम बता भी दिया था, देवता लोक स्वर्ग से आए सब एकजुट कर, और सुखदेव गोस्वामी जी का सामने बिजनेस करने के लिए आए, व्यापार करने के लिए आए। महाराज ये हम लोग स्वर्ग से अमृत का कलश लेकर आए, आपको तो आपका मकसद क्या है, परीक्षित को जिले परीक्षित तो अमृत पिलाना तो है ही है, तो ये हम अमृत लाए और ये अमृत पिला दो कृपा करके, और जो भागवत कथामृत तो जो है हम लोगों को पिला दो। और सुखदेव गोस्वामी जी बड़ा भारी दुखी हो गए, बोले ऐसा है
सीधा आके बोलते महाराज सुखदेव गोस्वामी को पिला रहे हो, परीक्षित महाराज को पिला रहे हो, हम भी पिएंगे, हम लोग को भी पिया, ये अलग बात है, ये अमृत हम लोगों को पिलाओ ये ठीक है, लेकिन ये उसको पिलाओ हमको भागवत अमृत तो दे दो, इसका तो विनिमय नहीं होता। क सुधा क कथा लोके क काचम क मनिर महान ब्रह्म रातो विचार जैव ब्रह्म रातो विचार जैवम तदा देवानुजहास। देवता लोगों को पोती पूरा एकदम थोड़ा मुस्कुरा के चुप हो गया, एकदम जवाब नहीं दिया। ऐसा करते करते अभी इधर प्रसंग आ रहा है, ये भागवत जी महापुराण का महिमा है। थोड़ी सी शब्दों में मैं जिस्ट बताने का प्रयास करूं, क्योंकि विस्तृत रूप से वर्णन करने का कोई समय है नहीं। ऐसा बोला हुआ है शास्त्र में, भक्ति देवी का आविर्भाव द्रविड़ देश दक्षिण भारत में हुई और भक्ति देवी वहां से अलग अलग जगह पर्यटन की है, करते करते गुजरात में जाके उसका हालत खराब हो गई और यहाँ लिखा हुआ है भक्ति देवी एकदम बूढ़ी जैसी और लड़का जो ज्ञान वैराग्य है वो उसका भी हालत। अब वृंदावन में जब पहुँचे तो भक्ति देवी वहाँ एक ठो सुंदर फिलोसफी या दर्शन है, भक्ति देवी एकदम तरुणी बन गई, लेकिन वो ज्ञान वैराग्य जो लड़का है वो दो लड़का का कोई बीमारी गया नहीं, अस्वस्थ है। नारद जी महाराज पर्यटन करते करते ये धरती पर बहुत सारे चीज देखे हैं, जिसके द्वारा नारद जी महाराज बड़ा दुखी बन गए। इस जगत में धर्म कर्म भक्ति बोलकर जो असली चीज है वो एकदम उसका हालत खराब। ऐसा करते करते भक्ति देवी का साथ मुलाकात हुआ और भक्ति देवी के साथ मुलाकात होने का बाद भक्ति देवी जोर से चिल्ला रहे नारद जी को, साधु साधु जी साधु, हे महात्मा कृपा करके आप ठहरो, हमारा कुछ समस्या है अब समाधान करो करके अपना समस्या का बाद क्या क्या समस्या ये सारे बता दिए। अब ऐसा कुछ समाधान करो जैसे हमारा जो दो लड़का है उसका तबीयत ठीक हो जाए बिल्कुल, लेकिन किसी भी हालत से हुआ नहीं। तब नारद जी घूमते घूमते बद्रिकाश्रम जो है वहाँ पहाड़ी चट्टी वहाँ जाते समय चतुष्सनों ने बुलाया, कहाँ जा रहे हो इतना जल्दी, हुआ क्या, चिंतातुर महसूस हो रहा है आपको, देख के लगता है कि आप बहुत चिंतातुर हो, क्या हुआ। चतुष्सनों ने धीरे धीरे ये सब बात को सुनते समय बताया कि एक काम करो, श्रीमद् भागवत जी महापुराण श्रवण कीर्तन का व्यवस्था करो। पुराना एक कहानी है, ये कहानी बड़ा सुंदर, इसमें पूरा भागवत जी का महिमा प्रकाशित हो जाएगा। दक्षिण भारत में एक जाएगा वहाँ आत्मदेव बोल के एक ब्राह्मण रहते थे, ये आत्मदेव ब्राह्मण जो है वो कर्मकांडों अर्थात पूजा अर्चन आदि करके अपना जीवन को गुजारा करते थे, लेकिन एक दुख है
जिंदगी में कोई लड़का लड़की कोई संतान पैदा नहीं हुआ। इस बात का बड़ा भारी दुख, इतना दुखी बन गए कि मत पूछो। और घर में कोई गौ माता लाए तो बंधा बन जाए, बहुत मुश्किल है। फल फूल का पेड़ लगाए को होता नहीं, अमंगल सूचक है। अब शकुन धीरे धीरे क्या किया, वो उसका मन में विचार आ गया कि कोई आदमी सुबह में उठकर हमारा साथ बात भी करना नहीं चाहता क्योंकि हमारा संतान नहीं है। ऐसा पहले भी था, जिसका संतान नहीं है उठ के पहले उठ के उसका जब मुख नहीं देखे, बोले उसका मुख देखने से खराब जाएगा, बड़ा दुख की बात है, उसका क्या कसूर है, है कोई कसूर पहला जन्म का इसलिए संतान नहीं हुआ। वो दुख के मारे क्या किया, जंगल में चला गया। जंगल में जाके रोना शुरू कर दिया, आत्महत्या करने के चक्कर में है। हम दुखी है, हम क्या करें जी के। इस समय एक सन्यासी उसको देख लिया, एक महात्मा। महात्मा ने पूछा कि आप क्या हुआ, आपका रो क्यों रहे हो। बोला ऐसा बात है, हमारा कोई संतान आदि नहीं है, हम बड़ा दुखी हैं, हम आत्महत्या करेंगे। महात्मा जी देख के विचार करके बताया कि तुम्हारा सात जन्म तक कोई संतान होने का कोई संभावना है नहीं। ये जो संतान ना होने का जो विषय है, ये भी पूर्व जन्मों का कोई कारण है, कोई अपराध है, कुछ है, इसका कारण ऐसा होता है। लेकिन वो आत्मदेव जी जोर जबरदस्ती बोले, पुत्रम देही बलाद ओपी, जोर जबरदस्ती आपको पुत्र देना ही पड़ेगा, नहीं तो आपका सामने हम मर के रहेंगे। महात्मा तो महात्मा ही ठहरे। महात्मा बोले कैसा बात है, हमारा सामने एक व्यक्ति खुदकाशी करे, देखने की तो उचित नहीं है, देखे कैसे, रोके कैसे। बोले ना हम मरेंगे। बोले ठहरो, बोल के अपना भजन के द्वारा तो अपना भजन का तो बल है ही है। झोला से एक फल निकाला, फल निकाल के इसका हाथ में दे दिया मंत्र करके भगवान का, और बोले जाओ ये फल लेके जाओ, फल लेके अपना पत्नी को खिला देना और आपका इससे क्या होगा, बड़ा सुंदर लड़का होगा संतान। लेकिन ये जो जब तक संतान ना होए तब तक कोई नियम है, झूठा नहीं बोलना, किसी का साथ झगड़ा नहीं करना, कलेश नहीं करना, किसी का साथ उल्टा पलटा नहीं करना, नियम पे चलना, शौचता पवित्रता सब रक्षा करना सब, तो आपका सुंदर लड़का होगा। सुंदर मतलब भक्तिमान, यही तो बात है। आत्मदेव जी आनंद के मारे एकदम आया, आके पत्नी का हाथ में फल दे दिया, बोले आप ये फल को खा लेना, इसमें क्या होगा, हमारा जो दुख है दूर हो जाएगा, लड़का होगा, संतान पैदा होगा। अब पत्नी तो पत्नी है, ऐसा दुष्टा पत्नी किसी को ना मिले, ठाकुर जी कह रहे तो, ये ऐसा धुंधली देवी, इतना दुष्टा रमणी है कि अड़ोस पड़ोस में एकदम हर वक्त चलते रहता है बाग बितंडा झगड़ा, शांति बोलकर कोई चीज है ही नहीं घर में, आत्मदेव का कोई चलता ही नहीं घर में, उसका ही चलती, वो जो बोले वो चलेगा, पति देवता का चुप बना दे। और फल तो ले लिया लेकिन कपटी, वो फल को नहीं खाई, बोले कहाँ कहे को झमेला में पड़े, झंझट में पड़े, और संतान होना भी बहुत मुश्किल की बात है, बड़ा कष्ट होता है सुने, और घर में आग लग जाए कुछ हो जाए तो दौड़ने में मुश्किल हो जाएगा, संतान अगर रहे तो पेट, ऐसा करे कि पोती देवता तो सरल है, बोका
बुक आराम है, तो इसको फल को लेके अपना बहन को दे दिया, या फल को लेके गौ माता को खिला दिया, घर में जो गौ माता को खिला दिया। और समय होने पर आत्मदेव का कोई सरल है, अपना बहन का घर से एक छोटे से नन्हे मुन्ने बच्चा को उठा के लाए और बोले ये हमारा बच्चा है, बच्चा हुआ, ऐसा बोल के धोखा दे दी, धोखा दे दी। और कुछ पैसा नीचे से दे दिए बहन के हाथ में, तू पैसा ले, तेरा तो कई संतान है ही है, ये संतान हमको दे दे और पैसा ले ले बदले में, दे दिए। और अभी मुश्किल है संतान को कैसे दूध पिलाए, वो तो है नहीं, ठाकुर जी का ही व्यवस्था है, जब भी पैदा होए कोई संतान तो मैया का कोख में, पैसा व्यवस्था ठाकुर जी का है, लेकिन वो तो कपटी। तो आत्मदेव जी क्या की, आत्मदेव जी को प्रार्थना की कि मेरा तो स्तन में कुछ है ही नहीं बच्चा को पिलाए, तो हमारा बहन का जो है बच्चा मर गया, वो उसको लेके रखे घर, ऐसा करके व्यवस्था करके बच्चा का पालन पोषण किसी भी हालत से कर दिया। और गौ माता का जो है, गौ माता का सही समय, गौ माता का एक सुंदर लड़का, एक सुंदर पैदा हुआ, उसका नाम है गोकर्ण जी, पूरा जैसा आदमी, सुंदर एक आदमी, बहुत सुंदर देखने में, सुंदर बालक, सिर्फ कान जो है वो गौ माता का माफिक और कुछ नहीं, बाकी तो एकदम बहुत सुंदर। ऐसा गोकर्ण जी पैदा होने का बाद दोनों का भी लिखा पढ़ा का व्यवस्था हुआ, लेकिन गोकर्ण जी बचपन से ही, गोकर्ण जी महाभागवत पूर्व जन्म का खेल है, सारे शास्त्र तमाम सब याद कर लिया और बड़ा भजन में रुचि। लेकिन आत्मदेव का जो ये लड़का है, ये एकदम सारा दिन रात उदम मचाते रहते हैं, बदमाश है, जुआ चूड़ी, बदमाशी, दारू सट्टा सब इसका, कोई ऐसा कुछ नहीं है जो दुर्व्यसन इसको स्पर्श नहीं किया, सारे दुर्व्यसन है सारे, वेश्यालय में गमन बस, ये तो अक्सर कुछ नहीं, घर का जितना सारे पैसा है, जितना सारे संपत्ति है, सारे फूंक दिया, घर का जितना सारे संपत्ति है, जायदाद है, सारे फूंक दिया इसका पीछे, दुर्व्यसन का पीछे सारे फूंक दिया। और मैया को मारती है, मारता है अभी, बोले बोल पैसा कहाँ है, नहीं तो मारेंगे, ऐसा करके डर दिखाते हैं। और कहाँ करे, आत्मदेव जी ऐसा दुख हुआ उसका, आत्मजीव का दिल में, जो अभी रोते रोते जंगल में पुनः चला गया। पहले जंगल में किस लिए गया था, ये हमारा संतान नहीं है, इस बात का दुख था, यही तो दुख ना, संतान नहीं है तो नहीं है, लेकिन संतान नहीं है इस बात का दुख है। महात्मा ने बोला सात जन्म तुम्हारा लड़का है ही नहीं, महात्मा का बात सच्चा निकाला कि नहीं, ये तो आज उसका बच्चा नहीं है, महात्मा का जो वचन है वो तो सच्चा निकला, उसको तो सब उसका बच्चा है ही नहीं। और अंतिम में क्या हुआ, ये दुख सहन नहीं हुआ, बर्दाश्त नहीं हुआ, फिर जंगल में चला गया। पहले गया था कि हमारा संतान नहीं है, हमारा संतान चाहिए, और अभी क्यों गया, अभी इसलिए गया हमारा संतान क्यों हुआ, ये संतान क्या करें हम, पहले गया था हमारा संतान नहीं है, आप बोलते हैं ठाकुर जी ये संतान क्या काम का है, ना होता तो अच्छा होता, तो यही तो ठाकुर जी का इच्छा, तो माना नहीं, जोर जबरदस्ती। अभी वो जो हालत है, मरने का हालत है, बड़ा दुखी, तुंगो भद्दा नदी का तट पर बड़ा सुंदर ब्राह्मण वृत्ति चल रहा था, जब भी कर्मकांड शुद्ध भक्ति नहीं था, फिर भी आचार आचरण निष्ठा कम नहीं था, था भक्ति नहीं था, शुद्ध भक्ति नहीं था, जानकारी नहीं था, जो भी है, लेकिन आत्मदेव बड़ा अच्छा, भले भले बोले बड़ा अच्छा आदमी था,
लेकिन आज जो है बड़ा दुखी, बड़ा कष्ट है। अब ऐसा कष्ट है कि इसको संभालना मुश्किल है। इसी समय क्या हुआ, गोकर्ण जी महाभागवत, गोकर्ण जी महाराज महाभागवत बड़ा बड़ा साधु है। गोकर्ण जी महाराज पिता का जो एक कष्ट है इसको समाधान करने के लिए प्रवचन देना शुरू कर दिया। पहले पूछा था हम क्या करें, हम क्या करें ये बताओ, मेरा तो ऐसा हालत है। ज्योति जो ब्राह्मण है, वो जो महात्मा है, जंगल में पहले मिला था वो महात्मा, पहले ही बोला था आप क्यों रो रहे हैं संतान के लिए, ऐसा रोना ठीक नहीं। मुंचा ज्ञानम प्रजा रूपम बलिष्ठा कर्मणो गति ही, ये रोना धोना बंद करो, ये संतान होना नहीं होना ये तकदीर का खेल है, ये पूर्व जन्म का कर्म का फल है। मुंचा ज्ञानम प्रजा रूपम बलिष्ठा कर्मणो गति ही, कर्मों का जो गति है यही प्रधान है। वेदांतों में बोला, ये वेदांत मतलब पूरा वेदों में वहां लिखा हुआ अपूर्व, अपूर्व मतलब जो फल है, अपूर्व मतलब वंडरफुल नहीं, अपूर्व बोल के एक टर्म है, शब्द है। जो आदमी कर्म करता है उसका फल है, वो रहता है रेसिड्यू। तो मुंचा ज्ञानम प्रजा रूपम बलिष्ठा कर्मणो गति ही, विवेक वचन विवेकम तु समा सद्यो त्यज्यो संसार वासनम, विवेक को आश्रय करो। तुम्हारा अंदर में जो सोया हुआ विवेक है, विवेक तो सोया हुआ है अभी, लेकिन विवेक का जागरण करो, जागृत करो विवेक को, विवेक को जगाओ। विवेक को जगाने से आपका संसार का जो वासना है ये टूट जाएगा। संसार किसको बोलता है, इसका उत्तर काल भी दिया था, अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मुझ्यन्ति जंतभाव। संसार मतलब मोह, संसार मतलब मोह, और ये जो मोह है अज्ञान से आता है, ये मोह अविवेक से आता है, विवेक से तो नहीं आता। विवेक का जागृत हो जाए, विवेक का जागरण हो जाए तब तो अज्ञान चला जाए, अज्ञान नहीं रहे। और जो बड़ा बड़ा महात्मा लोगों का जो संसार है, ये संसार तुम्हारा मापिक संसार नहीं है। बड़े बड़े महात्मा लोग जैसे शिवाचार्यों का संसार है, श्रील भक्तिविनोद ठाकुर संसार किया, शिवानंद सेन का संसार, ये जो महात्मा लोगों का बड़ा बड़ा महात्मा, ये महात्मा लोगों का जो संसार है वो अज्ञान का संसार नहीं है तुम्हारा मापिक। इनके भी संसार है कभी कभी कोई कोई महात्मा का, लेकिन इसमें अज्ञान बोलकर कुछ है ही नहीं। ठाकुर जी का संसार है, ये पोता पोते लड़का जो है वो ठाकुर जी का है, मेरा जो बीवी है ये ठाकुर जी का दासी है, मैं दास हूँ। युधिष्ठिर महाराज, परीक्षित महाराज, अम्बरीश महाराज, ध्रुव महाराज, सारे शादीशुदा संसार, लेकिन इन लोगों का जो संसार है ये संसार में किसी किस्म का बंधन नहीं था, बंधन होने का कोई चांस ही नहीं, क्योंकि अज्ञान बोलकर कुछ है नहीं, चीज है ही नहीं। अभी जो आत्मदेव जी मरने के लिए पहुंचा उधर, इतना रोते रोते फूट फूट पर रो रहा है, अब रोते रोते कह रहे हैं कि बोलचेन इधर कह रहे हैं कि कौ तिष्ठामि कौ गच्छामि को मे दुखो व्यपोहित प्राणंस त्यज्यामि दुखेन हा कष्ट ममो संस्थितम, हा मेरा कष्ट, हा मेरा तकदीर, कहां हम जाए, कहां किसका पास हमारा दुख की दुख भरे नाले, हम किसका पास कहे, अब हमारा ऐसा कहां जाए, किसको बोले, क्या करे, किसका साथ हमारा दुख का बंटवारा करे,
कोई नहीं है। अब प्राण त्याग करने का व्यवस्था हो जाए, अभी जो है प्राण त्याग करने का हालत हो गया, अब हम मरेंगे, अब अपने आप खुद बोल रहे अभी थोड़ा, अभी किस किस का जिंदगी में, किसी का जिंदगी में अगर कष्ट मिले तो ठाकुर जी को गाली देता है, ठाकुर जी क्या पूजा करें, ठाकुर जी इतना कष्ट दिया हमको, लोग वो ये ना जाने कि कष्टों का पीछे भी सुख है, आनंद है, अमृत है, ये देख नहीं सकता, इतना बोका है, इतना कष्ट मिला तभी अभी आत्मजीव का जिंदगी में ग्लानि उपस्थित हुआ। सुबह में बताया था एक पंडित जी का बारे में, पंडित जी बोला जमींदार बाबू को बड़ा धनी है, आपको हम भागवत सुनाएंगे, और क्या भागवत सुनाओगे, आपका ऊपर तो भगवत जी का कृपा नहीं हुआ, क्या बोल रहे हो, हम वाराणसी से पढ़ के आए सारे एकदम हमारा कंठस्थ है, अभी शुरू कर दे, बोले नहीं 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 दरकार नहीं, वेदांत आदि सब हम कर दें, बोले महाराज आपका ऊपर भागवत का कृपा नहीं हुआ। तो बाद में जब अपना संसार में लड़का गुजर गया छोटा सा, बस संसार एकदम गया, इतना दुख इतना धक्का लगा कि सामने जगत को अंधकार दिखने लगा, अंधेरा चारों ओर, ये कौन सी संसार है, मेरा बच्चा इतना प्यार था वो चला गया, संसार क्या है, अब संसार को संसार में रखा क्या है, संसार छोड़ के चले गए, भला हमको संसार में रहना ही नहीं, अब वाराणसी फिर चला गया, वहाँ जाके गंगा जी का किनारे विश्वनाथ का सामने बैठकर भागवत का प्रवचन का अकेला। अब जमींदार जी ढूंढते ढूंढते कहाँ गया, ढूंढते ढूंढते परेशान होगा, आप अंतिम में खबर चला कि पंडित जी उधर है, और जाकर उसको पकड़ा और दंडवत किया, और दंडवत करके बोले अब आप हमको कथा सुनाओ, और पंडित जी बोले अब तो कथा सुनाने का कोई इच्छा ही नहीं रहा, अब तो बस ठाकुर जी को सुनाए हम सुने, अब सुने नहीं। और जमींदार जी बोले अभी तो हम इसीलिए बोल रहे हैं कि अभी भागवत जी का कृपा आपका पर हो गया, कैसे हुआ, बच्चा मर गया था और इसी हालत में एक दफे किसी जगह गुजरते समय किसी महात्मा का किसी भागवत का प्रवचन का थोड़ा सा थोड़ा समय तक कान में आया, थोड़ी से समय तक एक कोई महात्मा पहुंचा हुआ महात्मा प्रवचन कर रहा था, और उसका दिल में तो धक्का लगा ही था, वो तो दुखी था ही पहले से ही दुखी था, और दुख जो लगा था तो दुख लगने के बाद क्या होता है, जब संसार का एंजॉयमेंट आनंद जो है वो उसमें थोड़ा लगाम आ जाता है, जैसे घोड़े का लगाम खींचे ना, आपका जिंदगी में बड़ा सा एक धक्का लग जाए तो वो भोग वासना में एंजॉयमेंट में थोड़ा खिंचावट आ जाएगा, जैसे घोड़े का लगाम को खींचो ऐसा, उसका थोड़ा चेंज हुआ था, और ठाकुर जी का ऐसा ही व्यवस्था है, उसी समय उसका कानों में एक पहुंचा हुआ बड़ा महात्मा का भागवत का एकदम प्रवचन थोड़ा बहुत कान में आया, बस कमाल हो गया, वो जो थोड़ी समय तक सुना वो काफी है, मोर देन इनाफ, बस दिल में पैदा हो गया भागवत जी का एक शब्द अगर आपका दिल में एकदम घुस गया तो हो गया बस। तो अभी क्या हुआ, उधर जाके सचमुच एकदम प्रेम भरे दिल से भागवत कथा को कीर्तन करे, गंगा जी का किनारे विश्वनाथ जी को सुनाए, ठाकुर जी को सुनाए, बस यही तो भागवत का फल है। भागवत का फल तो ये नहीं कि हमको 2 लाख रुपया लगेगा तो हम भागवत वाचन करें, हैं? इसको तो बेस्वापन बोला गया शास्त्रों में, बोला ये बेस्वा है जो कथा प्रवचन करके पैसा लेता है और अपना सुंदर कीर्तन आदि लोक लगा दे, कीर्तन इतना गवैया बाहर का उसमें पूरा पब्लिक को जमा कर दे, शास्त्रों में बोला ये बेस्वापन है। बेस्वा जैसे आप अच्छी कपड़ा पहन के पूरा सास पूरा एग्जाम करके सब औरों को खींचते हैं आ मेरा पास, ऐसा ही है, लेकिन वास्तव भागवत प्रवचन ऐसा नहीं। एक दूसरा एक कहानी बताया सुंदर वास्तव,
एक महात्मा था सादे से एकदम सादा सीधा महात्मा, सचमुच एक सादा सीधा महात्मा, सच्चा महात्मा, लेकिन पंडित नहीं है। एक महात्मा था बेचारा, वो पंडित नहीं है लेकिन बड़ा सुंदर महात्मा, दिल से साफा महात्मा किसको बोलता है। महात्मा को तो गुण होना चाहिए, जो गुण सब महात्मा में है, लेकिन वो पंडित नहीं, प्रवचन प्रवचन नहीं कर सकता, थोड़ा बहुत बोले तो बोल दे, दो चार वाणी बोल दे, लेकिन वो प्रवचन करे ऐसा विद्वान नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, किसी जगह वेदांतों के बारे में थोड़ा बहुत सुना था, वेदांतों का व्याख्या सुनने के बाद अच्छा लगा, वाह वेदांतों का, लेकिन वेदांत तो कठिन है, वेदांतों का पढ़ने जाए तो बड़ा विद्वावत्वा है, बड़ा कठिन, बड़ा ज्ञानी होना चाहिए, विद्वान नहीं होने से वेदांतों का, वेदांतों को समझ में नहीं आएगा। और एक जगह वेदांतों का बड़ा भारी सभा हो रहा था, उसमें जो व्यवस्था किया, सभा का आयोजन किया, एक बड़ा वेदांती को आह्वान किया, अब आप आ जाओ हमारा इधर वेदांतों के बारे में व्याख्या करो आप कृपा करके। और वेदांतों के बारे में व्याख्या करने के लिए आए महात्मा, बड़ा विद्वान है, और साथ ही साथ ये महात्मा को बहुत और सारे महात्मा आया, कई महात्मा आया, और ये महात्मा को भी बुलाया, वह आप भी आओ। बोले हम जाके क्या करें, हम तो विद्वान है नहीं। बोले क्या करोगे, आप बैठे रहोगे, दो चार शब्दों कह दोगे, जब आपका बारी आएगा कोई अगर कहे प्रार्थना करे तो दो चार शब्द कह दोगे, अब तो भजन तो करती करते ही हो, ठीक है चलो। अब जाके वो वेदांतों का सभा में बैठे, तो विद्वान तो है नहीं, वो सर झुका के बैठे हुए, वेदांत तो हम जानते नहीं ज़्यादा कुछ, और थोड़ा बहुत जो मालूम है वो तो कोई काम का नहीं है, पब्लिक को क्या कहे। और जो बड़ा बड़ा वेदांती लोग, बड़ा बड़ा वेदांतों के ऊपर बड़ा भाषण दिया, लंबा चौड़ा प्रवचन है, और प्रवचन देने का बाद अंतिम में ये महात्मा का बारिया, महात्मा आप थोड़ा कुछ हम क्या बताएं, आप तो विद्वान हैं, हाँ आपका सामने क्या जवान को खोले, अरे कुछ तो कह दो, बोल के प्रार्थना किया, आप महात्मा हो थोड़ा बोल दो भी। और वो वंदना गुरुचरण प्रार्थना करके वो रोते हुए बोले ठाकुर जी हम तो कुछ जानते नहीं, मूर्ख है हम, ठीक है जो कुछ भी थोड़ा बहुत मालूम है बोल दे। बोल के वेदांतों के ऊपर दो दस शब्दों कह दिया। अब जब दो दस शब्दों कह दिया तो पंडित जो है सब बैठा हुआ है, बड़ा बड़ा विद्वान घबरा गया, अरे अब बोलते विद्वान नहीं है, हम लोग विद्वान है, ऐसा जो अनुभव का बात बोला कहाँ से बोला, समझ में नहीं आया, कोई पढ़ा लिखा ज्यादा है नहीं, वेदांतों का कोई ज्यादा पढ़ा लिखा है नहीं, लेकिन वेदांतों का ऊपर जो दो चार दो दस शब्द बोला और कहने के बाद जो जो पंडित लोग है बैठा हुआ है विद्वान, वो घबरा गया, अरे ऐसा अनुभव की बात कहां से आया उसका दिल। जब सभा समाप्त हो गया उसके बाद वो महात्मा का पास विद्वान लोग प्रार्थना किया, एक सच्चा बात बताओगे महात्मा, हाँ बताओ, तो आपका जो वेदांतों का ऊपर जो अनुभव का जो अनुभव जो आया है, जो आप दो दस शब्दों कहा, वो कहाँ से कहा, कौन सी किताब पढ़ा, वेदांतों का कौन कौन किसका कौन आपका गुरु है जिसका पास आप वेदांतों पढ़ा। महात्मा तो हंसते रह गए, हम तो वेदांतों ज़्यादा कुछ पढ़े नहीं, कुछ तो पढ़े हो गए, वेदांतो तत्वसार, वेदांतो तत्वसार बोल के छोटा सा चटी इतना पतला एक किताब हमारा हाथ में आया तो थोड़ा पढ़ दिया, पढ़ा उसी में हमारा दिल में एकदम वेदांतों का जो भाव है बैठ गया, हरे राम राम, हम तो इतना बड़ा वेदांतो पाठ किए, वेदांतो किया, डिग्री हासिल किया, इतना बड़ा विद्वान है, हैं हमारा दिल में इतना वेदांतों का अनुभव नहीं आया, आपका दिल में आ गया, वो कैसे। तो महात्मा ने हाथ जोड़ के बताया जे आप एक आपको एक बात हम पूछे, आप बताओगे सही ढंग से, बोला हाँ बताओ, बोल आप जब वेदांतों का पाठ शुरू किया, वेदांतों हम पढ़ेंगे, तो आपका दिल में क्या विचार था, ध्यान से सुनना, जब आप वेदांतों का ऊपर पढ़ाई शुरू किया, बहुत सारे डिग्री आपका है, तो वेदांतों का जब पढ़ाई शुरू किया आपका भावना क्या कैसा था। बोले ऐसा भावना था कि हम वेदांत पढ़ के बड़ा वेदांती बनेंगे और विद्वान बनेंगे और वेदांत को प्रवचन करेंगे। तो महात्मा ने हाथ जोड़कर बोला जो आपने मांगा है तो आपको मिल गया, आप जो मांगा था
वेदांत को पढ़ने का पहले जो आपका दिल में जो ख्वाहिश जो इच्छा उसका पूर्ति हो गया, आप वेदांतों के बारे में भाषण दे दो। और हमारा दिल में जब वेदांतों का किताब आया, हमारा दिल में वेदांतों के बारे में कोई प्रवचन करे ऐसा कोई भाव ही नहीं था। हम तो वेदांतों के चरण में ये प्रार्थना के एक शब्दों का अनुभव हमारा जिंदगी में आ जाए तो हम मालामाल हो जाएंगे। तो इतना सा छोटी से पतला किताब पढ़ के हमारा दिल में जो अनुभव आया हम रोना शुरू कर दिया, वेदांत तो क्या चीज़ है। महात्मा तो घबरा गया, हम इतना बड़ा विद्वान है, सिर्फ हमारा भाव का दूषण, हमारा अंदर में जो भाव है इसका दूषण के कारण हमारा जिंदगी बेकार गया। हम तो वेदांतों का डिग्री हासिल कर दिया लेकिन हमारा जिंदगी भी बेकार गया। लेकिन ये महात्मा कोई वेदांतों का कोई डिग्री नहीं, कुछ नहीं है, पतला सा एक वेदांतों पर किताब देख लिया, ठाकुर जी का ऐसा कृपा हुआ उसका अंदर में अनुभव पैदा हो गया वेदांत तो क्या चीज़ है तो वही जानता है। हम तो इतना पढ़ाई लिखाई करके वेदांतों का ऊपर हमारा कोई अनुभव है ही नहीं। आप सोच लो भागवत जी क्या है, कहाँ आप भागवत का प्रवचन सुनोगे, कहाँ आनंद लगेगा, झूमना शुरू कर दोगे। और वृंदावन में होता है सारे 2 लाख 5 लाख, और एक प्रवचन है जंगल में बैठ कर एक आदमी सुन रहा है, सुन आनंद से ठाकुर जी सुन रहा है। एक कहानी और याद हो गया, अकबर बादशाह का नाम आप सुने होंगे, अकबर बादशाह का राजसभा में, विक्रमादित्य का राजसभा में, ये सब बड़ा विद्वान लोग रहते थे, विक्रमादित्य का सब नवरत्न रहते थे, अकबर बादशाह की भी जो सभा है सभा में बड़ा बड़ा विद्वान लोग रहते थे। एक विद्वानों में एक का नाम है तानसेन, बड़ा भारी गवैया है, इतना सुंदर गाते हैं कि एकदम वो अपना सुर लय मूर्छना के द्वारा अपना संगीत का इतना पावर है, तो क्या है पत्थर पिघल जाते हैं, पानी में पत्थर रखा हुआ है और ये गाते गाते पत्थर पिघलता रहता है। आ कोयल गाना शुरू कर देता, एक दफे चैलेंज हुआ था दोनों में, एक और पंडित था वो बोले दो गवैया, बोले एक काम करो ये जो सूखा पेड़ है इसमें बसंत राग गान करके इसमें फल आप इसमें हरा पत्ता ला सकोगे। बोले ठाकुर गुरु जी का कृपा है तो हो जाएगा, हम तो कोशिश कर सकता, सूखा पेड़ पड़ा हुआ है। और महाराज क्या कहें, शुरू किया वसंत राग शुरू किया और गाते गाते पेड़ का ऊपर एकदम मुकुल जैसा है वह पत्ता सब देखा। चैतन्य महाप्रभु का जिंदगी में चैतन्य महाप्रभु दिखाया, जो गोद्रुम धाम है आम घाटी बोल के एक जगह है, जो चैतन्य महाप्रभु अपना परसोदों के साथ घूमते घूमते नित्य कीर्तन करते करते वहाँ पहुँचे। और मजे के द्वारा मजे में आकर एक क्या किया, एक सूखा आम का पेड़ का एक लकड़ी वो जमीन में गड़ दिया, गड़ के बोला पेड़ हो गया, ओ जो सूखा लकड़ी उससे बड़ा झट 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 बड़ा पेड़ हो गया आम का तुरंत। ये कोई गप नहीं है, ये हम गप बोलने के लिए बैठे नहीं है, तुरंत चैतन्य महाप्रभु सूखा लकड़ी, पूरी में भी है बोकुल भिखो का एक दांत घिसते घिसते ऐसा लगा दिया तो बोकुल भिखो गया, दांत घिसते घिसते बोकुल भिक्षो का एक डाल यहां लगा दिया और उसमें से पेड़ हो गया। और चैतन्य महाप्रभु आम का एक सूखा सा एक लकड़ी जो है वो लगा दिया और भक्तों लोगों के लिए आम का पेड़ बना दिया। इतना बड़ा आम का पेड़ हो गया कि इसमें इतना बड़ा बड़ा आम तुरंत देखते देखते ऐसा चुटकी लगाते हो गया इतना बड़ा बड़ा। और भक्तों लोग बोले आम को पाड़ो, इतना इतना पक्का पाम है आम है, सब पाड़ो खिलाओ भक्त लोगों, सब आम को उतार, आम को धीरे धीरे एक एक करके और एक एक आम एक एक भक्तों का हाथ में दे दिया, खा। एक एक आम खाने का बाद पूरा पेट भर गया, चैतन्य महाप्रभु का लीला है, ये कोई गप नहीं है। बहुत सारे कहानी याद हो जाता है कि क्या करे, ये जो सूर ताल है इसका भी स्वरूप है। वृंदावन में एक घटना है, एक लड़का है, उसका पिता माता बहुत गरीब है,
हिमाचल या किस देश का होगा, हिमालय पहाड़ी चट्टी में घर है, पिता माता घर वाले सब धक्का लगा के उसको निकाल दिया, सारा दिन आ करके गान गाता है, अरे खाना पीना मिलता नहीं, अब बैठ के गा करने वाला है, भाग यहाँ से, मार के भगा दिया, बहुत दिन सहन किया सुनता ही नहीं, मार के भगा दिया, भाग यहाँ से, खाली आ कर रहा है घर में बैठ के, उसको भेज दिया। वो रोते 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 कहाँ जाए, घूमते घूमते बस केसीघाट में आया, और केसीघाट में आया उसका बाद पहले किस जगह में ठहरा, और वहाँ भी चिल्ला चिल्ला कर खून निकल जाए, फिर उसका वो क्या भाव है, गाना गाना शुरू कर दिया, और गाना होता ही नहीं, उसका कंठस्वर है नहीं। उसका निष्ठा देखकर सरस्वती देवी का इतना कृपा हो गया तो स्वयं उसको बर दिया, चाह बर दे दी, जो गाना चाहे वही होगा, जा उसका निष्ठा। संगीत तो आता नहीं, कोई कंठोसर भी फालतू है बेकार, लेकिन उसका इच्छा है, इतना निष्ठा है, देखे सरस्वती देवी बर दे दी। उसका बाद वो जो भी गाए वो लगता है साक्षात सर जो है, जो सर जो है राग रागिणी जो है साक्षात है, मूर्ति पकड़ कर उस वो कीर्तन में वो गाना में सामने आ गया, संभव है, सब निष्ठा के ऊपर है। जो भी है आत्मदेव जी जो है अभी जो वो जो कह रहा था भागवत का प्रवचन जो है, ये अनुभव के ऊपर प्रतिष्ठित होना चाहिए। ठाकुर जी वा कृपा होए तो संभव है, मुकं करोति वाचालम पंगुंग लंघयत गिरिम, ये जो है ये बात कोई सच्चा बात है, ये कोई गप नहीं है, सच्चा बात है। अभी आत्मदीप का जिंदगी में ऐसा धक्का पहुंचा कि उसका दिल में ये इसका दिल में आत्मदेव जी का जो हृदय है, हृदय का अंदर वैराग्य जागृत हो गया, धक्का लगा, संसार कुछ नहीं रखा, संसार में क्या रखा, आ भगवान, अब कह रहे हैं इसका जवान से निकल, असार खलु संसारो दुख रूपी बीमा कह सुतः कसो धनम कसो स्नेह बान जलत अनिशम, बज असार संसार खलु, असार खलु संसार दुख रूपी बीमा कह। हम संसार का डेफिनेशन काल दिया था ना, किसी आदमी ने बोला संसार किसको बोलता है, महात्मा जी बोले दुनिया का जितना दुख है कष्ट है, एक कष्ट को इकट्ठा करो करके करके एक जगह ढेर लगा दो, दुख की ढेर, इसी को स्पेसिफिक, इसी को नाम संसार, इसका नाम संसार। असार खलु संसार दुख रूपी विमो कह सुतः कस्सो धनम कस्सो स्नेहवान जलते अनिशम, दिन रात जलते रहते हैं हमारे हृदय, कौन किसका लड़का है, कौन किसका बीबी है, धन किसका है, आज तुम्हारा है कल दूसरे का बन जाएगा, है ना, आज तुम्हारा धन तुम्हारा पास है कल दूसरे का पास चला जाए, आज जो गरीब है कल अमीर बन जाए, आज जो अमीर है कल गरीब बन जाए, आंखों का सामने देखा, करोड़ों पति को गिरते हुए देखा, ऐसा गिरा हमारा दो टाइम खाना भी नहीं मिल रहा, ठाकुर जी का खेल है, ठाकुर जी चकाते हैं, तुम्हारा कर्म का फल भोग रहा है, ठाकुर जी तो कुछ नहीं किया, ठाकुर जी की व्यवस्था ये है तुम अपना कर्म फल को भोगो, हम इसका लिए जिम्मेवारी नहीं है, तुम अपना जो किए हुए कर्म का भोग करो फल का। अब आत्मजी देव जी का जवान से निकला, असार खलु संसार दुख रूपी बीमा कहा सुतः कस्सो धनम कस्सो स्नेहवान जलत अनिशम, ये जो मिथ्या अज्ञान है, मिथ्या जो अज्ञान, अज्ञाने न अवृतम ज्ञानम तेन मुझन्ति जन्तवा, अभी थोड़ा देर पहले बोला, अज्ञान के द्वारा ये मोहों के द्वारा तुम ठाकुर जी का जो विषय है, ठाकुर जी का जो चिंतन है, ये तुम्हारा दिल में आ नहीं रहा, सब भूल गया, मोहों के द्वारा मोहग्रस्त है। न च इंद्र सुखम किंचिन्न सुखम चक्रवर्ती नहा सुखम अस्थि विरक्त स मुनिर एकांत जीवन, सुख किसका है, ये जो लोग संसार करता है, बिजनेस करता है, जो कुछ भी कर रहा है, कर तो रहा है,
जो कुछ भी कर रहा है वो उसका पीछे राज क्या है, व्हाट इज द गोल, इसका पीछे रहस्य क्या है, भले उसका रहस्य है इसका पीछे वो सुखी होना चाहता है, यही तो कारण है। जो सुबह से लेकर रात तक परिश्रम करो और संसार करो, बहुत सारे बहुत धंधा पानी सब कर रहे हो, इतना कष्ट, उसका पीछे राज क्या है, क्या कारण है, दुख को हटाए और सुख को अपनाए, यही तो कारण है, एक ही कारण, सुखे रहो लागिया एक और बांधी लो अनोले पुरिया गेलो, बांग्ला में बोलता है, सुख के लिए संसार किया था लेकिन संसार जल के खाक हो गया, अब कुछ नहीं रखा। तो इधर जो है सुखी कौन है, इसका उत्तर आत्मदीप जी का दिल में स्वस्वतः प्रकट हो गया, भले सुख मस्ती विरक्त समूने रिकांत जीवना, सुख तो विरक्त जो है विषय से एकदम हाथ छुड़ा लिया, हमारा चारों ओर विषय है लेकिन सबसे बड़ा बात है हमारा विषय में लगन है कि नहीं, खाने के लिए थोड़ा मिल गया, कोई कुछ दिया ठीक है, ठाकुर जी को लगा के पा लेते, लेकिन उसमें मेरा अट्रैक्शन है कि नहीं, मेरा शरीर को चलाने के लिए मैं भोजन कर रहा हूँ कि एंजॉयमेंट के लिए, ये बना ये ला हम खाए, ये इच्छा है कि बस शरीर चले, इसलिए थोड़ा भोजन करे प्रसाद ले ले, जैसा हमारा शरीर सही ढंग से चले, ये विचार है। एक है युक्त वैराग्य, आप समझोगे नहीं बात में हम बताएंगे, एक सूखा वैराग्य, लोग को दिखावा वैराग्य, लोग को दिखाने के लिए हमारा देखो विषय नहीं है, हम जोगी बन गया, त्यागी बन गया, नंगा बाबा, धूनी बाबा, फलहारी बाबा, दूध पीता बाबा, एकहारी बाबा, बहुत सारे बाबा देखा है, ये सारे बाबा जो है वो बाबा कोई काम का नहीं है, दूध पीता बाबा, एकहारी बाबा, फलहारी बाबा, धूनी बाबा, ये बाबा का कोई दाम नहीं है। आ गौड़ी और मठ का जो एक एक महात्मा है उसका घर में घुसे, अरे महाराज कैसा महात्मा है, टेबल चेयर में बैठा हुआ है, अंग्रेजी बोल रहा है, कैसा महात्मा, हम तो महात्मा तो ऐसा सोचे कि पेड़ का नीचे रहे और टूटा फूटा सब चीज रहे और कोई कुछ दे तो खाए, यही तो महात्मा का, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ महात्मा, और महात्मा अंग्रेजी बोल रहा है और सुंदर बेस है और टेबल चेयर भी है, कैसा महात्मा है। भक्ति सिद्धांत तो सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद, तमाम ये पृथ्वी में दुनिया में ऐसा महात्मा पैदा होना संभव नहीं है, लेकिन आप देखो कि क्या बोलोगे, फॉरेन से इतना बड़ा बड़ा सब आया, प्रभुपाद जी ने क्या किया, कोट लगाया, पगड़ी लगाया, लाके एकदम उसका जो स्मार्टनेस, इसको बोलता है युक्त वैराग्य। भगवान का जो प्रवचन है, भगवान का जो कथा है, भगवान का सिद्धांत जो है, विचार जो है, इसको स्थापित करने के लिए हमको भी अच्छा कपड़ा पहनना पड़ा, हम क्या करें, ये नियम है, वैराग्य दिखाने का चीज नहीं है। गोपियों ने क्या किया, अच्छा अच्छा कपड़ा पहनी, चूड़ी सब कुछ, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को संतुष्टि करने के लिए, सब बाद में आएगा विचार। अभी आत्मदेव जी कह रहे हैं कि नौ च इंद्रस्य सुखम किंचन न सुखम चक्रवर्ती न सुखम अस्थि विरक्त स्व मुनि रेकांत जीवन। मुनि मतलब जो मौन रहता है, जो प्रवचन भागवत कथा छोड़कर दूसरा कोई प्रपंच में नहीं, हमको प्रपंच में नहीं पढ़ना है, हमको प्रपंच में नहीं पढ़ना है, तो प्रपंच का बात नहीं करेंगे, लेकिन भगवान का कथा बोलना उनके दोष नहीं है। भगवान का जो कथा है उसमें अपना मौन जो है, मौन व्रत का कोई धक्का नहीं लगता, भगवान का कथा कीर्तन में, भगवान का कथा कीर्तन में मौन व्रत जो है रखा है महात्मा, इसका कोई धक्का नहीं लगता, वो सही ढंग से चलेगा। इसलिए जो मौन है, मौन का मतलब जो भगवान का कीर्तन कथा छोड़कर दुनियादारी का कोई बात नहीं बता गए, तो सुखम अस्ति विरक्त समूने रेखांत जीना, जो भगवान का कथा कीर्तन में लगे हुए हैं, चिंतन में लगे हुए हैं, उसका जिंदगी में सुख है। सुख मतलब शांति सुख, क्योंकि सुख जो बोलते हो, सुख का डेफिनेशन आपका जिंदगी का वास्तव सुख वो है नहीं, सुख का जो डेफिनेशन आपका दिल में बैठा हुआ है ये वास्तव सुख नहीं,
परम सुख स्वरूप है भगवान श्री कृष्ण। भगवान है परम सुख स्वरूप, भगवान सुख स्वरूप है। भगवान का साथ आपका कनेक्शन नहीं है तो सुख बोल के कोई चीज आपका जिंदगी में है ही नहीं, चाहे जितना पैसा हो कुछ भी हो। सुख का जो वास्तव स्वरूप है, वास्तव सच्चा स्वरूप है ठाकुर जी, ये परम सुख स्वरूप। और ठाकुर जी से अगर सुख मिले तो ठाकुर जी का भक्ति करने का बाद वो ठाकुर जी से ही सुख मिलता है। बाकी जो दुनियादारी का सुख जो है वो वास्तव सुख नहीं है, सुख का शैडो है, छाए, परछाई है ना, या आपका परछाई पड़ा है, परछाई जो पड़ा है वो ऐसा ही है, सुख का छाए है, शैडो। इसका बारे में कई कहानी है बहुत सारे, हम नहीं बताएंगे, समय नहीं है। तो बोलते अभी जो है ये जो आत्मदेव जी को सुंदर जो बेटा है, बेटा का सामने बड़ा प्रार्थना किया, बोले हम तो देखो इसी में प्रपंच में फंस गया, लड़का का चक्कर में, संसार का चक्कर में हम तो, हमारा हालत खराब है। गोकर्ण जी पिता के हृदय में जो अज्ञान है उसको हटाने के लिए बोला, न च इंद्रस्य सुखम किंचिन सुखम चक्रवर्तिन सुखम अस्ति विरक्तस्य मुनेर एकांत जीवन। मंचाज्ञानं प्रजारूपम मोहतो नरके गति निपति सति देहो अयम सर्वम त्यक्ता वर्णम वजह। गोकर्ण जी कह रहे हैं कि देखो मुंचाज्ञानं प्रजारूपम मोहतो नरके गति, ये हमारा लड़का हमारा लड़की ये सब विचार जो है, ये प्रजारूपी जो मोह है उसको पूरा फेंक दो। मुंचो मना मैं त्याग करो, मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम, ये प्रजा हमारा लड़का लड़की ये संसार है, ये सब जो दुख है इसको हटाओ दिल से। मुंचा अज्ञानम, ये अज्ञान है, अविवेक है, अविवेक कल्पित, अविवेक के द्वारा कल्पित है। मुंचा अज्ञानम प्रजारूपम हो तो नरक की गति, तुम्हारा नरक गति हो जाएगा, फेंको ये सब। आइए शरीर तो नाशवान है, दो दिन बाद तो चला जाएगा। निपतिष्यति देहो अयम सर्वम त्यक्ता वर्णम भजो, सब छोड़ कर जंगल में जाओ, ठाकुर जी का कीर्तन करो। और गोकर्ण जी अभी कह रहे हैं देखो देहो अस्थि मांस रुधिरे अभिमतिम भिमतिम त्यजो तम जया सुतादीशु सदा ममतम विमुंचो। देहो ये जो समार शरीर है, देहो अस्थि मांस रुधिरे, तुम्हारा जो फंसा हुआ दिल है इसको मुक्त करो। देहो अस्थि मांस रुधिरे अभिमतिम तेजोतम जया सुतादीशु सदा ममतम विमुंचो। ये जो ममता है, जाया मतलब पत्नी, सुता सुतो जो भी है सब, इसमें सब इस अज्ञान को हटाओ। और पश्यान्निशम जगदिदम क्षणभंग निष्ठम वैरागराग रसिको भव भक्ति निष्ठ। बल देहो ये तो बोला जब पश्यान्निशम जगदिदम क्षणभंग निष्ठम, ये जगत जो है क्षणभंगुर है, आज है कल नहीं है, इसमें निष्ठा छोड़ दो। पश्यानिशम जगत इदम क्षणभंगुर निष्ठम, आंखें खोल कर देखो, अज्ञान को हटाओ और देखो कि संसार में सब नाशवान है, आज ये जा रहा है कल वो जा रहा है, आज इसका नाश हो गया कल उस वस्तु का नाश हो गया, ये मर गया कल जिसका ऊपर में इतना भरोसा रखा, जिसको लेके जिंदगी गुजारेंगे, बस नाश हो गया, बस मर गया और धक्का लग गया। तो जगत में कुछ नहीं, कुछ रखा नहीं जिसको लेके तुम वास्तव सुख अनुभव करोगे, नहीं है।
पश्यानिशम जगदिदम क्षणभंगु निष्ठम वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठ। भक्ति निष्ठ हो जाओ भगवान का चरण में। धर्मम भजस्व सततम त्यजलोक धर्मान, धर्मम भजस्व सततम त्यजलोक धर्मान, सेवस्व सद पुरुषान जही काम तृष्णा। बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, देखने विचार करने वाला बात है। इधर धर्मम भजस्व सततम त्यजलोक धर्मान, धर्मम भजस्व, धर्मो धर्मों का अर्थात धर्मम भजस्व सततम त्यजो लोक धर्मान। धर्म बोलकर जो चीज चल रहा है बाजार में, देहो धर्मो संसार धर्मो मानव धर्मो समाज धर्मो, जो सब सब धर्मों का नाम पे चल रहा है, ये वास्तव धर्म नहीं है। वास्तव धर्म क्या है? भागवत धर्म। इसीलिए धर्म शब्दों का दो बार उच्चारण किया, एक के द्वारा वास्तव धर्मों का अनुसंधान का बारे में बताया गया। एक बार बोला धर्मम भजस्व, वास्तव धर्मों का आश्रय करो, भजन करो। अरे महाराज क्या हुआ? उसका बाद दूसरे शब्दों में बोला कि धर्मम भजस्व सततम बोला पहले, उसके बाद तेजो लोक धर्मान, लोक धर्मो तेजो, देव धर्मो मानव धर्मो संसार धर्मो, ये जो है ये सब धर्मों को तेजो, क्योंकि ये जो तेजो लोक धर्मान, ये जो बाह्यिक धर्म है, ये जो धर्म है ये वास्तव धर्म नहीं है। ये जितना सारे धर्मों को धर्म कर्म को कर रहे हो, सुबह माँ के शिव जी को पानी चढ़ाओ, दुर्गा देवी को थोड़ा पानी दे दो, उधर धून सिंदूर दे दो, उधर फेंको, हम तो देख रहे हैं वृंदावन में और यूपी में तो ज़्यादा सारा सुबह होते ही निकल पड़े, और एक करोड़ डाली रहेगा, उसमें धान है, इसमें दुब्बा है, इसमें सिंदूर है, इसमें चंदन है, रक्त चंदन है, ऐसे जो देवता जो सूसी है, ये तू ले ले मैया, ये तू ले ले बाबा। मैया को लाल फूल दे दिया, बाबा को सादा फूल दे दिया, उधर फेंक दिया थोड़ा, ऐसा करने से होगा नहीं कुछ है? इसलिए बोला देखो धर्मम भजस्व सततम त्यजो लोक धर्मान, ये बाह्यिक जो धर्म है सब धर्मों को त्यजो, कोई काम का नहीं है, कोई काम का नहीं है, उसको फेंको। एकमात्र क्या करोगे, मजे धर्मम भजस्व अर्थात भागवत धर्मों को अपनाओ, भागवत धर्मों का बारे में विचार करो, भागवत धर्मों अनुष्ठान करो। सवई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रधक्खजे अहित की अप्रतिहता यत्मा सु प्रसीदति। ये भागवत में श्लोक आएगा, शुरुआत हो, अभी तो महिमा चल रहा है, हम तो बड़ा जिस्ट में बताया महिमा क्योंकि समय कम है। सवई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रधक्खजे, भगवान परात्पर अखिलेश्वर विष्णु तत्व का चरण में अगर लगन लग गया, इसी को बोलता है वास्तव धर्म। बाकी धर्म जो तुम कर रहे, धर्म कर्म कर रहे हो, कि ये धर्म कर्म नहीं है, ये धर्म कर्म नहीं है। तो धीरे धीरे गोकर्ण जी पिता आत्मजीव जी का सामने प्रवचन किया, पिताजी का हृदय से अज्ञान अंधेरा को हटा दिया, पूरा अज्ञान को काट के फेंक दिया, और देने का बाद पिताजी अभी मुक्त हो गया। माता तो पहले ही मारे गए, माताजी को वो धुंधुकारी जो बदमाश है दुष्ट है वो पिटाई किया माताजी, माताजी दुख के मारे कुएं में छलांग लगाकर उसका शरीर पतन हो गया। और जो ये जो है धुंधुकारी बदमाश है जिसके कारण आत्मदेव जी घर छोड़ के चला गया, और गोकर्ण जी तो देखा माताजी मर गया, पिताजी चला गया, थोड़ा अज्ञान को हटा दिया और तो थोड़ा अपने तीर्थाटन करने के लिए निकल गया। तीर्थाटन करने के लिए गोकर्ण जी निकल गया, बोले क्या करे रह के, पिताजी निकल गया, उसको उसका जो प्रवचन के द्वारा उसका अज्ञान को हटा दिया, माताजी तो पहले मर गया, और निकल गया घर से। और बाद में क्या हुआ, ये बेसवा लोगों के साथ
एक साथ पांच वेश्वा को लेकर धुंधुकारी उसी घर में रहना शुरू कर दिया। अब तो कोई बोलने वाला कोई है नहीं, पिताजी है नहीं, माताजी मर गया, और हम तो राजा है, हमको कौन बोलेगा, जो बोलेगा उसका साथ हम तो लड़ाई करेंगे। वो पांच वेश्वाओं ने क्या की, वो धुंधुकारी को आपस में आप लोग विचार किया कि ये तो बदमाश है, चोरी डाका वो तो करता ही रहता है, वो आज नहीं तो कल पकड़ा जाएगा, उसको पकड़ के ले जाएगा। तो हम एक काम करें, जितना सारे धन संपत्ति वो लाए हैं चोरी डाका लाल केर सब, जितना सारे जेवर है, ये सब जितना सारे संपत्ति है सब लेके हम लोग बंटवारा करके निकल जाए इधर से, और उसको मार के जाए। और धुंधुकारी को क्या की, एक सब पांच मिलकर एकदम उसको खून करके मुंह का अंदर में जला हुआ लकड़ी घेस कर एकदम मार कर उसको सब जला कर मार कर पीछे जो मैदान, पीछे जो गार्डन है, बगीचे का अंदर वो जो एक तो खोदा गर्त खोदा, उसमें ये लाश को जो मुर्दा को एकदम गाड़ दिया, ऊपर से पेड़ पौधा लगा दिया। कुछ समझ में नहीं है कि कहाँ है क्या है, और करके सारे पांचों पांच ही उधर भग गई, पांचों पांच। और उसके बाद धुंधुकारी तो मरने का बाद प्रेतात्मा का जोनी प्राप्त हुआ, बड़ा कष्ट है। ऐसा भी प्रेतात्मा है पिछले 2500 साल से जिंदा है, आपको मालूम नहीं है, पिछले 2500 साल से वो आत्मा है, उसका मंगल नहीं हुआ। क्योंकि जब तक संत महात्मा का मुखारविंद से प्रवचन सुनने का अवसर नहीं प्राप्त होता तब उसका मंगल नहीं होता, आपको विश्वास नहीं होता। सिर्फ एक घोस्ट, ये जो भूत प्रेत का बारे में इंग्लैंड में पिछले कितने सालों से रिसर्च हो रहा है, कितने सालों से रिसर्च हो रहा है, भूत प्रेत क्या है, कैसा है, किस किस्म का है। हम एक सच्चा घटना को उठाए, हमारा गोड़ियामटी है बंगाल में, मिदनापुर बोल के एक डिस्ट्रिक्ट है, अब सुने होंगे मिदनापुर। ये मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट में, मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट में बड़ा मिदनापुर, अब मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट का जो शहर है जहाँ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, वो मिदनापुर शहर में हमारा गोड़ियामठ वाले का एक मठ है, और परम पूज्य जादवपुर गोसाई महाराज शिला भक्ति माधव गोसाई सब मिलकर मठ को बनाए थे। वो मठ जो है एक जमींदार का बारी है, वो भूतों का बा भूत का मकान राजबारी है, भूत कोई नहीं उस बिल्डिंग का आजू बाजू में जाता, बड़े भूत है उसमें कोई नहीं जाता, सच्चा भूत है। ऊपर रात होने से धूम धूम छात से पत्थर गिरे, ये गुरे बस सब डर के मारे भागे। अब मिदनापुर में एक मठ बनाना है, तो कानों में आया कि ऐसा एक बिल्डिंग है, तो संत महात्मा तो बड़ा, वो तो भगवान का अपना जन है, वो भूत क्या करेगा हमारा, देख ले हम चल। तो जमींदार का साथ बात हुआ, जमींदार बोले ये भूतों का मकान है, आपको अगर लेने का हिम्मत है, आपको अगर लेने का हिम्मत है तो ले लो, हमारा कोई हर्जा नहीं, हम लिख देते हैं आपका नाम पे। बोला हम ले लें, हमारा कोई भूत प्रेत का डर है नहीं, दो और सब लिख दिया, नाम पे लिख दिया। और देने का बाद वहाँ रहना शुरू, सफाई सुथर करके और भोग राग कीर्तन करके वहाँ शुरू कर दिया, थोड़ा छोटा मोटा सेवा, बाद में तो बन जाएगा, धीरे धीरे डोनेशन आते रहेगा तो बन ही जाएगा, कोई कमी तो है नहीं ठाकुर जी का राज्य में, जो संत जो हृदय में चिंता करे तो सच्चा हो जाता ठाकुर जी की बात। अब रात का टाइम में कौन सोए, छादों से दुम इतना बड़ा बड़ा पत्थर गिर रहा है, अरे बाप रे। फिर महात्मा लोगों ने विचार किया, एक काम करो, इस पर संकीर्तन करो सही ढंग से। इतना संकीर्तन किया, इतना संकीर्तन बहुत दिन तक, बस संकीर्तन के द्वारा प्रेतात्मा उधर से भग गया, कोई प्रेतात्मा नहीं है। अब हम जिंदगी में कभी नहीं गया उस मंदिर में, बहुत दिन से वो मंदिर देखने का इच्छा था हृदय में, मिदनापुर मठ जो गुरु, वो देखने का बहुत दिन से इच्छा, हमारा गुरुवर्ग का प्राचीन मठ है, कभी अगर बुलाते रहते हैं लेकिन मेरा टाइम नहीं मिलता, बार बार बुलाते हैं। तो इसी दफे गया,
जन्माष्टमी के टाइम में तीन जगह प्रवचन था, गाड़ी रेडी था, इधर से प्रवचन करके उधर जाओ प्रवचन करो, उधर से प्रवचन करो इधर उठो उधर जाके फिर प्रवचन करो। वो मिन्नापुर मठ में गया, मिन्नापुर मठ में गया तो घुसने के टाइम में वाह बहुत सुंदर मठ है, इतना सुंदर मठ है पुराना, बहुत अच्छा लगा। वहाँ प्रवचन हुआ, वहाँ विग्रह है, अब हजारों हजारों आदमी उधर जा प्रवचन सुनने के लिए आता है, यहाँ तो किसी का रुचि है नहीं, वहाँ हजारों आदमी एक दिन दो घंटा भी नहीं, डेढ़ घंटा के लिए गया, हजारों आदमी, कोई जगह नहीं है जाने का हमारा, ऐसा यहाँ तो रुचि नहीं है किसी का, कहा उपयोग कमाओ और रहो आराम से, समय मिला तो जाएंगे देखेंगे प्रवचन है कौन सी बड़ा बात है। ऐसा तो बोलते ही रहते हैं महात्मा लोग। तो ये जो है भूतों का जो चक्कर है, ये वहां मुकान में धुंधुक, ये जो धुंधुकारी का प्रेतात्मा घूमते रहते हैं और उदम मचाते रहते हैं, एकदम धूम धूम आवाज होता है। और गोकर्ण जी महाराज तीर्थाटन के लिए चले गए, पिता तो मुक्त हो गया क्योंकि प्रवचन के द्वारा मुक्त कर दिया उसको, वो गया बेचारा। दसम पाठ दसम स्कंद का पाठ करने के लिए बोला, बोलचैन दसम स्कंद का पाठ करो, ठाकुर जी का चिंतन करो। गोकर्ण जी तीर्थाटन करते करते गांव का ही किसी आदमी के साथ उसका देखा हो गया, बोला आपको खबर है? वो तो कौन सी खबर? बोला आपका भाई भी नहीं उधर मारा गया, कहाँ गया कुछ जाने नहीं, वहाँ प्रेतात्ता बन के रह गया, धुंधुकारी का ही वो प्रेतात्ता है वो घर में, अब पिता तो पहले ही गया आप तो रहते हुए यार, तो माता जी तो गुजर गई, अब वो धुंधुकारी जो है वो आपका भाई है वो प्रेतात्ता बन के रह गया, बड़ा उदम कर रहा है। गोकर्ण वाला चलो कोई बात नहीं, तीर्थाटन तो चल ही रहा है, तो हम गया में तीर्थाटन करते गए, विष्णु तीर्थ है, महाप्रभु भी गए, तो ये प्रेतात्ता के लिए वहाँ पिंडदान कर दिया, पिंडदान वो प्रेतात्ता, वो धुंधुकारी का प्रेतात्ता, और प्रेतात्ता का नाम पे पिंडदान कर दिया। और कई महीना बाद घूमते घूमते चक्कर लगाते लगाते सोचे कि चौ अपना गांव पे तो एक बार चले, पुराना हमारा गांव है, हैं ग्रामवासी हैं, चलो गांव में चले। और वहां पहुंचे, जब गोकर्ण जी महाराज अपना गांव पे जब पहुंचे तो समय हो चुका था बहुत, वो शाम ढल गए, अंधेरा छा गया, तो किसी ने देखा नहीं क्योंकि गांव का परिवेश है कौन किसका पीछे, वो तो गांव अंधेरा हो गया, रात 9 बजने से पूरा सब किवार बंद हो जाता। और वो धुंधुकारी का पितात्मा वो बिल्डिंग में है वो मकान पे, और गोकर्ण जी सोचा कि कहाँ जाए किसको डिस्टर्ब करे अभी, और किसी को कष्ट देना ठीक नहीं है, तो अपना ही मकान है कोई तो बोलने वाला है नहीं, जाके थोड़ा सफाई किया उसमें बैठ गया, थोड़ा दीपक लगा के धुनी लगा के बैठ गया, भजन करना शुरू कर दी। और भजन करते करते धूम एकदम धुंधुकारी का जो आत्मा है प्रेतात्मा है वो एकदम उदम शुरू किया, धूम दम धूम, रे कौन है रे, धूमधाम शुरू किया, बोले कौन है, धुंधुकारी का पितात्मा है और जवाब नहीं दे रहा है। उसके बाद कभी हाथी का रूप पकड़े, कभी ऐसा रूप पकड़े, कभी ऐसा रूप पकड़े, अब गोकर्ण जी महाराज के सामने प्रकटित होकर उसको डराने का कोशिश कर रहे। गोकर्ण जी बोला ए तू कौन है, ऐसा करके चिल्ला, वो आवाज नहीं दे रहा है करके रो रहा है। तो गोकर्ण जी महाराज क्या किया, ऐसा अपना जो जनुई है इसको पकड़ कर, तीर्थों का तो पानी है ही है गंगा जमुना सब तो तीर्थ किया, पानी लेके जहाँ से ओ करके आवाज आता तो वहाँ एकदम छिटका दिया, देने का बाद मंत्र करके जब छिटका दिया तब उसका जवान खोला, और जवान खोलने के बाद जवाब दिया अरे तू कौन है, तब जवाब देना शुरू कर दे, अहम भाता तो दियोस्मी धुंधुकारी नामत सक्य नैव दोषेन ब्रह्मत्वम नसितम मया, बोले हम आपका भाई है, हमको याद है हमारा नाम धुंधुकारी है, अहम भाता तो दियोस्मी
तुम्हारा भाई हूं मैं, मेरा नाम धुंधुकारी, अपना ही किए हुए कर्म का फल भुगत रहा हूं और किसी का दोष नहीं, मेरा ही कर्म का फल, अब हमको बचाओ भैया, बोल के रोना शुरू कर दिया। इतना रोया, इतना रोया। गोकर्ण जी बोला ठीक है, बोले तुम्हारा प्रेतात्मा का तुम्हारा नाम पे तो हम गया धाम में, तुम्हारा नाम पे हम पिंडोदान कर दिया, और तुम्हारा आत्मा अभी भी कैसे है, ये तो ठीक नहीं है। तुम्हारा नाम पे हम गया धाम में विष्णु चरण में हम पिंडोदान कर दिया, तुम्हारा तो मुक्त होना चाहिए था, और तुम मुक्त कैसे हुआ नहीं, मुक्त हुआ नहीं। तो धुंधुकारी ने रोते हुए बताया, ऐसा माफिक तू पिंडदान करोगे हैं, गया दानम सते नापी मुक्तिर में न भविष्यति। गया में पिंडदान जो किया है इसके द्वारा 100 पिंडदान करो 100 बार, तब भी हमारा आत्मा का मंगल नहीं हो सकता। इसमें एक सिद्धांतों का बात है, बड़ा भारी हमारा अंदर में डाउट हो जाएगा, संशय पैदा हो जाएगा कि तमाम शास्त्रों में गया धाम का महिमा लिखा हुआ है, एक पिंडोदान का साथ साथ ही मुक्त हो जाता, और ये पिता तक कह रहे कि गया पिंडम सते नापी मुक्तिर में न भविष्यति, ये कैसे, हाउ इज दैट पॉसिबल, कैसे संभव है। 100 बार मेरा नाम पे गया धाम पे विष्णु चरण में तुम पिंडोदान करो फिर भी मेरा मंगल नहीं होगा मुक्ति, वो कैसे संभव है। गया धाम को महिमा तो हम छोड़ नहीं सकता, गया धाम का महिमा तो हर हालत में सच्चा है, तो ऐसा कैसे संभव है, इसका उत्तर मिलना चाहिए। इसका उत्तर अगर ना मिले तो गया धाम का बारे में हमारा डाउट्स आ जाएगा, संदेह आ जाएगा, संशय, तो गया धाम क्या बेकार है, गया धाम में पिंडोदान किया तो बेकार है सब, शायद बेकार है, नहीं तो गया पिंडम सत्य नाम ही मुक्तिर बेनव, अरे कैसे संभव। इसमें सिद्धांत तो क्या है, कोई महात्मा इसका बारे में बताता नहीं, बताना चाहिए, क्योंकि पब्लिक आम आदमी जो है कोमल विश्वास है, श्रद्धा तो है नहीं ज्यादा, और इसको ना सुने तो इसका अंदर में गया धाम का बारे में संशय आ जाएगा, शायद बेकार है, ये नहीं। पहला बात तो ये है कि आपको मैं कह चुके एक कहानी जो घटना है पहले कह चुके कि गोकर्ण जी का असली भाता नहीं है, धुंधुकारी जो है वो किसी दूसरे खानदान से लाया गया बच्चा को गोदी में लिया और उसको एग्जिबिट किया, प्रदर्शन किया, ये आत्मदेव को बोला ये आपका लड़का है ना, हम बताया था ना, वास्तव भाई नहीं है। गोकर्ण जी का जो गोकर्ण जी जिस मंत्र दे, जब किसी प्रेतात्मा का बारे में आप पिंडोदान करोगे, वो पिंडोदान का समय में उसका जो गोत्र है, गोत्र जो है, नाम गोत्र सही होना चाहिए, अगर ना होए तो ठाकुर जी जिम्मेवारी नहीं, तो वो जो मंत्र दे क्या, वो बेचारा उसको क्या पता था, वो सोचा कि अपना ही खानदान का है, वो दूसरे खानदान का था, तो उसका बारे में जब पिंडोदान किया, वो पिंडोदान कैसे फल मिलेगा पिता को, समझा मेरा बात, ये उसका तो उस खानदान का है ही नहीं, वो दूसरे खानदान का बच्चा को ला के गोदी में खड़ा कर दिया, बैठा दिया, बोले ये बस मेरा बच्चा है, झूठा कहीं का, तो इसलिए फल मिला नहीं। आप गोकर्ण जी चिंतित हो गया, अरे पिंडदान के द्वारा तुम्हारा उद्धार हुआ नहीं तो कैसे होगा, अच्छा एक काम करो तुम अपना स्थान पे बैठो, उधम मताओ मत, हमको चिंता करने दो, रात को भूत पेतात्मा को बोले चुपचाप जाके बैठ। एक हमारा एक गुरु भाई है, वो हमारा गुरु माने काका गुरु का गुरु भाई, उसका नाम है बन महाराज, वो अक्सर ये सब करते हैं, माने किसका पिंडदान, या हम करते नहीं, हमारा ये कथा और लिखा ये काम है मानी सेवा, वो लोग करते हैं, कोई यज्ञ आदि अनुष्ठान ये सब में भागते रहते हैं, हमारा रुचि नहीं है, थोड़ा बहुत कर लेते। तो एक दफे एक जगह एक 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 लड़का का एक लड़का आत्महत्या किया, उसका माँ वैष्णवी है, वो महाराज को बुलाया, महाराज हमारा लड़का का ऐसा डेथ हो गया, आप थोड़ा यज्ञ कर दो, और यज्ञ करने के लिए बुलाया महाराज जी को, महाराज जी आया, अब कैसे करते रहते हैं, और महाराज जी सुबह का टाइम में उसका बारे में यज्ञ करे, पाठ आदि यज्ञ सब करे,
और रात का टाइम में जिस घर में सोने के लिए व्यवस्था किया उसी घर में आत्महत्या किया, उसी घर में। और महाराज जी सोए हुए, दुम दाम दरवाजा को धक्का लग गया। महाराज जी बोली क्या बात है, कोई हवा नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसा धक्का चल रहा है, अर क्या बात है, दरवाजा धूम धाम आवाज हो रहा है। महाराज जी सो रहा था, उठ के बैठ गया, उठ के बैठ के लाइट जलाया, वो चिंता किया कौन है ऐसा जोर धक्का लगा रहे चारों दरवाजा, कुछ नहीं हवा पवा। अब बाद में समझ में आया शायद ये पेताता की काम है, और पेताता के बारे में बोला, ए सुन अगर शांत रूप से बैठ जा तो काल तेरा क्रियाक्रम हम सही ढंग से करेगा, तेरे को मुक्त बना देगा, नहीं तो हम चल रहा है अभी, तेरा मुक्ति नहीं होगा, चल हम, ऐसा बोला सिर्फ। अगर चुपचाप बैठ जा काल सुबह में तेरा हम क्रियाक्रम करे तेरे को मुक्ति बना देंगे, और ना करे तो तू मर, हम चले, मर तो गया ही है, मोरा मोड़ते ऐसे छे, बंगला में एक बात है, बंगला में एक बात है, मरा मरने के लिए आए, यही मुर्दा मरने, यही एक बात है। हमारा स्कूल का मास्टर जी जो है सब ये बच्चा बच्चा लोग उदम बचाते थे, और गुस्सा होने के मोरा मोड़ते ऐसे छे ऐसा बोल देते, हम मोड़ा कोई मास्टर जी इसका माने क्या है, इसका माने क्या है, मर तो गया ही है अब मरने आया है, फिर यही है, यही है इसका मान, तो मर तो गया ही है फिर उधम, तू अगर ऐसा करे तो सुबह में तेरा क्रियाकर्म सही ढंग से नहीं करे, हम चल रहा है। तो पेताता शांत होके रह गया, रात को सोने दिया, सुबह में उठकर महाराज सही ढंग से क्रियाकर्म किया, कीर्तन किया, सारे भागवत प्रवचन, उसके बाद गया। जो भी है यहाँ जो प्रेतात्मा है, ये प्रेतात्मा के भी ऐसा है, वह तुम चुपचाप उधर बैठ जा और हम पूरा रात सोचने दे क्या क्या कर्म करे जो जिसके तेरा मंगल हो जाए। ऐसा मापिक प्रेतात्मा तो हम देखा नहीं कि भाई 100 जन्म क्या बात है, और ऐसा तो बदमाशी किया ही है, इतना ऐसा कोई घटिया काम नहीं है जो उसका जिंदगी में नहीं किया हुआ है, यह तो है ही पापिष्ट। तो सुबह में सब सूरज अरुणोदय हो गया, सूरज आसमान में चढ़ गया तो सारे गांव में हल्ला हो गया, अरे गोकर्ण जी महाराज आया है, क्या आनंद है, क्योंकि एक महात्मा को सब कोई प्यार करता है, कोई दुश्मनी तो है ही नहीं, सारे आदमी गांव का आदमी, अरे महात्मा आया है गोकर्ण जी, कैसे हो भाई, क्या हो, कैसे हो, सब आके जुट गया। और गांव में पंडित भी बहुत था, पढ़ा लिखा पंडित, सब एक जुट कर बैठ गया और मंत्रणा किया, विचार करना शुरू कर दिया, मेरा भाई जो है धुंधुकारी का ऐसा हालत है, रात को वहाँ रहा था, अब ऐसा ऐसा बात है, क्या करे, कैसा आचरण करे, कैसा कि पाठ करे, कि कुछ करे जिसके द्वारा इसका मंगल हो जाए। अब विचार करते करते कोई परफेक्ट वास्तव उत्तर नहीं आया, तो गोकर्ण जी क्या किया, अपना भजन बल के द्वारा हाथ में पानी लिया, तीर्थ का पानी, और सूर्योदय का ओर देखकर है सूर्य जी को प्रार्थना किया, अगर आप कृपा करके मेरे को क्या साधन करना चाहिए बताओ, जैसे प्रताता का मंगल हो जाए, नहीं तो क्या करे, पानी देके सूर्य का गोति स्तंभन कर देगा, इतना पावर है, सूर्य जी एक जगह रह जाएगा। हाँ, ऐसा कई सारे घर भागवत में आएगा, महापुरुष भी उदाहरण दिया था, एक मुनि, कौन मुनि, जिसको सूल में चढ़ाया था, हैं मांडव मुनि, इसका कहानी हम बाद में बताएंगे, सब एक साथ जो आगे आगे बढ़ेगा नहीं, भगवत कथा बहुत सारे याद हो जाता है। तो ये जो है विचार करके सूरज ऐसा है तो महात्मा ही महात्मा, तो महात्मा ही ठहरे, और बड़ा भारी प्रेम के द्वारा प्रार्थना के, सूर्य जी हे सूर्य नारायण भगवान कृपा करके ऐसा साधन कुछ बताओ कि जैसे ये आत्मा का मंगल हो जाए। सूर्य जी से धीरे से एक शब्द आया और किसी को समझ में नहीं आया, गोकर्ण जी का कान में आया, भागवत जी का पारण करो, पारायण करो, भागवत जी सप्ताह प्रवचन करो एक हफ्ता का अंदर। तो उसके द्वारा गोकर्ण जी क्या किए, हम बोरा बड़ा जिस्ट बोल रहे हैं, बड़े संक्षेप, बड़ा संक्षेप करके बता रहे हैं क्योंकि डिटेल्स बताने का समय नहीं है। तो गोकर्ण जी महाराज क्या किए, पूरा गांव में भागवत कथा का पूरा व्यवस्था की, हजारों आदमी आ गया, सब भागवत कथा में बैठ गया। अब वक्ता है गोकर्ण जी महाराज, ये तीसरा अधिवेशन है, हम सुबह में कह चुका, तीन बार
एक तो है परीक्षित, एक तो परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी ने प्रवचन की, एक है नैमिष क्षेत्रों में सुतोदेव गोस्वामी जी ने बताए, और गोकर्ण जी महाराज का जो ये है ये एक प्रवचन है ये समय। और गोकर्ण जी महाराज भागवत प्रवचन शुरू की मंगलाचरण आदि करके, और पेतात्ता को भी बुलाया गया, ए पेतात्ता तू आजा, आके प्रवचन होगा इसमें तू बैठ जा। अब हवा है, पेतात्ता मतलब हवा, हवा कैसे बैठेगा, हवा तो इधर से धक्का आएगा उधर चलेगा। तो इसका बैठने के लिए एक खंभा मतलब एक बांबू जो बांस है ये लगा दिया हैं, सात गांठ वाला जो बांस है गठी ये लगा दिया, वो तू इसका अंदर बैठ जा। और प्रेतात्मा आके क्या उसका नीचे घुस गया, घुस के बैठा हुआ, और एक एक दिन का प्रवचन हुए। अब प्रवचन के द्वारा क्या हो रहा है, एक दिन का प्रवचन या पहला जो ग्रंथी है गांठ है फट फट गया। नेक्स्ट डे दूसरा दिन का प्रवचन हुआ, दूसरा गांठ जो है फट फट गया। तीसरा दिन, चौथा दिन, पांचवा दिन, छठा दिन, सातवां जो है एकदम फट फूट के, और आत्मा जो है वो प्रेतात्मा जो है वो एकदम अपना स्वरूप, वो जो स्वरूप उसका जो स्वरूप का उद्बोधन हो गया। वो क्या किया, ऊपर से ठाकुर जी का धाम से उसका लिए रथ आया, ठाकुर जी का रथ आया कि ये धुंधुकारी को रथ में बैठा कर ले जाए। एक रथ आया, एक रथ चार हाथ वाला सब वैकुंठ पार्षद आए, नारायण चार अक्षर है इसलिए चार दूत वैकुंठ दूत। अजामिल का कहानी आए उसमें अजामिल को पकड़ने के लिए तीन दूत आया था, क्यों तीन दूत और वैकुंठ दूत चार क्यों हैं महाराज, बच्चे नारायण ये चार ये अक्षर है चतुराक्षरी चतुराक्षर, इसलिए चार ही आता है। और जमराज का जो द्वार में जमराज जो पकड़ के ले जाते किसको, देहो मन वाक्य, शरीर मन और वाक्य तीनों के द्वारा ही पाप आचरण होता है, शरीर मन और अपना जबान तीनों के द्वारा पाप आचरण। जितना सारे पाप करते हो ना, जितना सारे आदमी पाप करते हैं दुनिया में सब ये या तो शरीर मन और वाक ये तीनों के द्वारा पाप, इसलिए तीन दूत जमदूत आते आके पकड़ के ले जाए। अब यहां जो है बात ये है कि गोकर्ण जी देखा कि एक रथ आया, एक रथ आके उसको उठा के ले जा रहा है, और गोकर्ण जी प्रार्थना किए। गोकर्ण जी बोला देखो हमारा प्रवचन तो इतना आदमी के लिए हुआ था, हमारा प्रवचन तो हजारों हजार आदमी के लिए प्रवचन, कितना आदमी बैठा हुआ है, वैकुंठ पार्षदों को दर्शन किया क्यों तो महात्मा है, बाकी लोग तो दर्शन नहीं किया, उसी जगह आया विमान आया तो एक विमान देख के गोकर्ण जी प्रार्थना किया, एक विमान क्यों लाए हो, और इतना सारे मेरा श्रोता है श्रोतारो मम निर्मला इतना श्रोता है और वो एक विमान लाए हो इसका लिए। तो वहां से उत्तर आया, वैकुंठ पार्षदों ने उत्तर दिया, अरे सोवंत किया है लोगों ने लेकिन मनन नहीं किया है, जो सोवन कर रहे हैं उसका मनन नहीं होने से उसका कोई वास्तव फल नहीं मिलेगा, सुकृति बन जाएगा, लड़का पैदा होगा पोता पोती होगा पैसा आएगा इसी में लगल इसी चक्कर में फंस जाओगे भागवत। तो इसलिए बोला गोकर्ण जी प्रार्थना किए एक विमान क्यों लाए हो, इतना हमारा सोता है तो सोता है मेरा इतना आप लाए हो एक विमान, बोले हम लोग क्या करें एक ही विमान भेज दिया ठाकुर जी, क्योंकि आपका इधर जो श्रोता तो है ही है लेकिन सारे श्रोवण किया है लेकिन मनन नहीं किया डाइजेस्ट नहीं किया, जैसे बहुत भोजन कर लिया लेकिन उसका हजम नहीं हुआ पचा नहीं पाए, बहुत भोजन कर लिया भोजन के बाद तो हजम नहीं हुए तो किस काम का है, एसिमिलेशन
डॉक्टरी लोग बायोलॉजिकल टर्म बोलता है, अगर भोजन कर लो भजन के बाद पचन अतत्पच जाए, हजम हो जाए, उसके बाद एसिमिलेशन होता है, अर्थात भोजन का जो खाद्य खबर जो खाया भोजन किया उसका जो रस है विटामिन्स है सारे शरीर का अंदर चला जाएगा। अब कुछ नहीं हुआ तो जहां जहां खाया वहां से निकल जाएगा। ये जो है ये तो श्रवण किया तो है लेकिन ये श्रवण सही नहीं हुआ, श्रवण ठीक नहीं हुआ, इसलिए विमान एक आया, एक इसलिए विमान एक आया इसलिए ए ले आए। गोकर्ण जी महाराज फिर से भागवत का प्रवचन का अनुष्ठान किया, गोकर्ण जी तो अनुष्ठान किए धुंधुकारी तो मुक्त होके चले गए, लेकिन गांव वाले सबका लिए धुंधुकारी गांव वाले सबका लिए गोकर्ण जी फिर से प्रवचन किए, सारे गांव वाले एकदम ध्यान से सुना हजम किया, उसका भी मंगल हो गया। ऐसा करके धीरे धीरे क्या हुआ, गोकर्ण जी मुक्त कर दिया किसको, धुंधुकारी को। अब करते करते भागवत का महिमा जो है यहां तक आया है, भागवत जी महापुराण का। जमराज जी महाराज यहां बहुत संक्षेप में कह रहे हैं, डिटेल्स नहीं बोला। यहां जो है गोकर्ण जी महाराज जो है गोकर्ण जी महाराज सबको मुक्त कर दिया, और यहां देखो यहां जो है सब जमराज जी महाराज अपना पार्षदों को बुलाकर कानों में बता दिया, देखो जो बद्ध जीव है जो भगवान का कथा कीर्तन बिल्कुल नहीं करते, भगवान का दर्शन नहीं करता, भगवान का नाम नहीं लेता, भगवान का कथा नहीं सुनता, इन लोगों के लिए हम जमराज जो है पर हम है, प्रभुरहम अन्न नेनाम न वैष्णवानम, ये यहां बताया गया। देखो जे सपुरुषमोपि बिक्षो पासहस्तम बदति यमः किल तस्य करुण मूले परिहरो भगवत कथा सुमत्यानो प्रभुरहम अन्न नेनाम न वैष्णवानम। जमराज जी महाराज जब देखे हाथ में जो रस्सी है बद्ध जीवात्मा को जर संसार से बांध के ले आने के लिए है ना, तो जमराज जी जब देखे वो सब अपना रस्सी अस्सी सब लेके हमारा दूत जो है हमारा पार्षद है मर्त धाम में जा रहा है, तो उसको बोले सुन तो जा क्या हुआ, बोले सपुरुषम अपि बिक्षो पासहस्तम बदती यमः किल तस्य कर्ण मूले, अपना पार्षदों को हाथ में रस्सी आदि लेकर जाते हुए देखा तो बोले बेटा सुनते जा, पर क्या सुने, बोले एक बात सुनते जा परिहरो भगवत कथा सुमर्तानो, जो लोग भगवत कथा कीर्तन में मस्त रहते हैं उधर मत जाना, उसको पकड़ के ले आना नहीं, परिहरो भगवत कथा सुमत्यानो प्रभुरहम अन्न नीणाम न वैष्णवानम, हम दूसरा जो ये जो भागवत कथा कीर्तन में मस्त है इसका लिए इसका विचार करने का अधिकार हमारा नहीं है, हम जो जमराज है जमराज बन के बैठे हुए हैं तो इसको पनिशमेंट देने का हमारा कोई इख्तियार नहीं है, हमारा कोई अधिकार नहीं है, ध्यान से सुनना, बाकी जो जगत है उसका लिए हम मालिक है लेकिन वैष्णवों का मालिक मैं नहीं हूं, साक्षात भगवान है, वैष्णवों का जो मालिक है साक्षात ठाकुर जी है, तो उसका लिए उसका विचार हम कर नहीं सके, तो उसका विचार तो जहां देखोगे हरि कथा हरि कीर्तन चल रहा है भगवत कथा आदि वहां बिल्कुल मत जाओ, वहां सब बैठा हुआ है सब भक्त है, वो जिसका कानों में कथा जाए कीर्तन जाए वो तो एकदम मुक्त हो जाएगा उसका। और उसका बात इधर लिखा हुआ है सुत गोस्वामी जी कह रहे हैं कि असली बात
असारे संसारे विषय विष संगाकुल धियः खनार्धम खेमार्थम पिबत सुख गाथा तूल सूधम किमर्थम व्यर्थम भो ब्रजतो कुपते कुत्सिते कथे परीक्षित साक्षी जत सवर्णगत मुक्ति युक्ति कथने। असारे संसारे विषय विष संगाकुल धियः खनार्धन खेमार्थम पिबत सुख गथा तूल सुधम। ये असार संसार है, ये संसार में सार वस्तु कुछ नहीं है। संसार का मंथन करो तो कुछ नहीं निकलेगा। संसार का मंथन करते हो ना, कितना सारे संसारी जीव संसार का मंथन करते हो ना सारा दिन रात, क्या क्यों राजी नहीं हो रहा है? हां बोलो तो सही, संसार का मंथन चल रहा है। सुख को, सुख नामक अमृत को प्राप्ति करने सार जाने अनजाने नोइंगली और अननोइंगली चल रहा है। संसार का मंथन चल रहा है नॉन स्टॉप। इसमें प्राप्ति करने का विषय क्या है? बोले हमारा सुख, संसार का सुख निकलेगा। और ठीक है, आप देखो दुख भी तो निकलता है। जैसे हम सागर मंथन का बात करेंगे, सागर मंथन करते करते पहले क्या उठा था? बीस हुआ था, बीस उठा था ना, हलाहल बीस, और कौन पिए? अब तब शंकर बाबा का याद हुआ, शंकर बाबा का याद बाद पहले नहीं हुआ। अब शंकर बाबा का पास गया, आप पियो थोड़ा, हाँ हमको बीस पिलाने के लिए आए हैं। सब उसका चर्चा होगा बाद में। अब जो ऐसा हालत है कि हलाहल बीस, शंकर जी तो पी गए पूरा ऐसा करके, अब नीलकंठ बन गया, इसका प्रसंग आएगा। और पीने का समय हाथ ऐसा करके पिया, और इधर से थोड़ा थोड़ा एक आध बूंद तो हाथ का इधर से निकल गया। वो जो एक आध बूंद अगर धरती पे गिर गया, उसके द्वारा सांप बिछुआ जितना सारे विषधर जो प्राणी हैं, एक दो बूंद हाथ से गिर गया, उसी से जितना सारे जहरीली पानी है, जहर इसका सांप बिछुआ से लेकर तक्षक सारे विष डालने वाला सब, वही विष का एक आध बूंद टपक के जमीन पर पड़ा, उसी का नतीजा भुग रहे हो। और कैसा भी शंकर भगवान ने ऐसा करके पान कर दिया, आप सोचो। तो ये जो है, ये हलाहल विष, हमारा प्रभुपाद जी सुंदर बताते हैं, फूलों में आप सोचते हो कुछ शायद मधु है, मधु है ना, सब जानते हैं फूलों में ही तो मधु है, हैं? अगर हम कहें कि फूलों में भी जहर भी है, बोले महाराज दिमाग खराब हो गया क्या, फूलों में जहर है? फूलों में तो मधु है। हाँ जानकारी कर लो, फूलों में मधु है, शायद है, एट द सेम टाइम फूलों में जहर भी है। जहर है? जहर तुम सुना नहीं? हाँ जहर सुना नहीं, भी सुन लो, फूलों में शहद भी मधु भी है और फूलों में विष भी है। फूल से जो मधु है, मधु जो है शहद जो है बूंद बूंद करके लेकर मधुमक्खी इकट्ठा करके मधु का चाक बनाता है, और जो विष है वो जो फूलों का अंदर में जो विष है उसका एक्सपोज कौन करता है? फूलों का भी, फूलों का अंदर में जो विष है इसका भी तो प्रकाश होना चाहिए, नहीं प्रकाश होना तो कैसे चलेगा? बोले फूलों का अंदर में जो जहर है इसका प्रकाश कहते हैं लूता कीट, लूता कीट इसका नाम है, लूता कीट, लूता नमक, लूता नाम के कीट है, कीटाणु, वो फूलों का अंदर में जहर है उसको प्रकाशित करता है। और फूलों का अंदर में जो जहर, जो शहद रहता है उसका प्रकाशित करता है कौन? मधुमक्खी। जिसका पास जो है वही निकलेगा। अगर किसी का अंदर में कामिनी कंचन, लड़की के बारे में सोचता है हर वक्त कामिनी कंचन, वो अगर प्रवचन करे वो जहर तुम्हारा कानों में जाएगा, तुम मरोगे। हमारा करने का नहीं है कुछ, पद्म पुराण का महिमा है, वही हरिकथा सुना, लेकिन एक ऐसा जगह से सुना जो बाहर में राम 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 कहते हैं अंदर में जहर है।
राम राम करे अपराया मल अपना, राम राम जपना अपराया मल अपना, ऐसा चिंतन है। वो चोर है, बदमाश है, लेकिन प्रवचन करता है। अब पद्म पुराण में साफा लिख दिया कि देखो अगर ऐसा जगह कथा सुनोगे तो हमको हमारा महिमा का बारे में डाउट नहीं करना, तो हमारा महिमा सही है, भागवत जी का महिमा। हाँ, हरि कथा जो है, हरि कथा शोभन करने के लिए ऐसा जगह जाओ तो उसमें क्या है, जो मिलावटी हरि कथा है सुनने से क्या होगा, जो इसमें तुम्हारा अंदर में जहर खुल जाएगा, जहर आ जाएगा। सर्पोच्छिष्ट जथा पयो, सांप मिल्क जो है, दूध जो है, दूध तो पुष्टिकर आइडियल फूड है, लेकिन दूध अब रख दिए हो किसी जगह और आपका अनजाने में कोई सांप आकर वो उस दूध में दूध को पी गया थोड़ा, और सांप का मुंह लगा तो दूध में जो दूध है उसमें जहर घुल गया, आपको पता नहीं है, अब वो खा दिया, आप सबको पिला दिया, घर में सारे एक साथ मर गया। कृष्णनगर जो है बंगाल में, कृष्णनगर बोल के एक जगह है, कृष्णनगर जानते हो ना, वो कृष्णनगर में एक दिन एक घटना हुआ, बहुत दिन का बात नहीं, 5-6 साल का भी बात नहीं है। एक दिन सुबह में उठकर पड़ोस जो अड़ोस पड़ोस में आदमी देख रहा है, वो परिवार का सारे आदमी मर गए। अरे पुलिस को खबर गया, पुलिस हैरान की बात है, एक आदमी मरे तो ठीक है, सारे आदमी एकदम बाबा माँ बच्चा जितने सब मर गए। पुलिस को डाउट हुआ, फॉरेंसिक डिपार्टमेंट से लोग आया, पुलिस आया, घेर के रखा है बिल्डिंग को, बोले उसका तलाशी किया जाए, तलाशी किया कुछ मिला नहीं, और फॉरेंसिक डिपार्टमेंट से जो डिटेक्टिव वो आया, बहुत ध्यान से देखा, बोले क्या कारण हो सकता, मर गया। और वो मरने का पहले वो देख रहा है कि भोजन का थाली जो है वो धोया नहीं, भोजन का जो थाली है, एक एक आदमी भोजन किया, भोजन करके सब बाद में उधर ये उधर मरा हुआ उधर, ऐसा कैसा बात है, तो जरूर ये फूड पॉइजन जरूर है। वो कैसे, कौन पॉइजन दिया, बाकी ढूंढते 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 एक बिल्डिंग का पीछे बागान में जो गार्डन है उसमें देखा, एक जहरीली सांप मर के पड़ा हुआ है, इतना छोटा सा, उसमें चेंटी है, वो चेंटी वहां से लाइन लगाकर खाना जो है, भोजन है वो रखा हुआ था, उसमें चढ़ गया था चेंटी जो है, वहां से सांप का उधर उधर करके उधर से आके भोजन का ऊपर, अब वो जो जहर है सारे के सारे मर गया। अवैष्णव मखोद गिरम हरिकथामृतम श्रवणम नैव कर्तव्य सर्पच्छिष्ट जथा पयो। अब तो बोले हम तुम्हारा हरिकथा सुना, अब तो बोले हरिकथा सुना मंगल है, हाँ मंगल तो है ही है, लेकिन जैसे उदाहरण दिया अभी हम, आप दूध को पान कर गए, लेकिन दूध का तो कोई दोष नहीं, जब दूध का जहर गोला तो आप मर गया, उसमें तो दूध का क्या कसूर है, भागवत कथा का क्या कसूर है, भागवत कथा प्रवक्ता जो है, प्रवक्ता का जो अंतर में जो कुत्सित डार्टी जहरीली भाव है वो तो प्रवचन के द्वारा शब्दों के रूप में आपका कानों में गया और ये आपका हृदय जो है कलुषित बना दिया और आप मारा गया, भजन में तो गया ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं, उल्टा रास्ता में चला गया। अवैष्णव मुखद गिरम हरिकथा मिदन सुवनम नई वकत, महाराज हम तो वैष्णवों का मुख ही सुना, हम तो वैष्णवों का मुख में ही सुना, वो तो जिसका मुख में सुना तो उसका तिलक था, वो आनिक भी करते हैं, प्रसाद भी पाते हैं, तो आप तो बोले अवैष्णव मुखद गिरम, तो वो तो वैष्णव है, वैष्णवों का मुख में सुना, बोले वो तो वैष्णव तो है ही है बाहरी दृष्टि में, लेकिन अंतर में असुर है, अंसुर अंतर में असुर है, ये वैष्णव नहीं है, वैष्णव होते तो जरूर आपका फल मिलता, बाहरी दृष्टि में असुर है, बाहरी दृष्टि में वैष्णव है, अंतर में असुर है। असुर कामिनी कामचन को इकट्ठा करने के लिए लग गया, पीछे पड़ गया, वैष्णव का बेस बना के बैठा, और कुछ नहीं होगा उसका प्रवचन से, क्या होगा, होगा कुछ नहीं होगा। जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज का ये याद हो गया, प्रेतात्मा का कहानी,
जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज अभी सूरज कुंड में, जहाँ मैं पहले भजन करता था, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज का कुटिया है, सूरज कुंड जो है, सूरज कुंड, सूर्य कुंड, सूर्य कुंड का एकदम बगल में, और सूर्य नारायण मंदिर वो थोड़ा सा दूर है, वहाँ भजन करता बाबा जी महाराज का। अभी सब जो कि 200 साल पहले का भजन कुटीर है, वो टूटा हुआ है, साँप फाँप भरती है, कुछ कोई नहीं है। कोई बुजवासी बोला था, बाबा कहाँ जाओगे, इधर भजन करो। हम सोचा कि प्रभुपाद का आदेश तो ये है, हम क्या करें, जो भी है। वो जो है जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, एक दफ़े अपना सेवक जो है, बिहारी ब्रजवासी है, बिहारी को लेकर बोले चल वृंदावन में जाए, घूम के आए थोड़ा सूरज कुंड से। बाबा धीरे 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 वृंदावन में आए। वृंदावन कहाँ, और जहाँ केसी घाट है, राधा मनन मोहन, राधा दामोदर, राधा श्याम सुंदर हैं, ये सब जो है, राधा रमन लाल, राधा दामोदर, सब कुछ है ना, वो वृंदावन में है। चल वृंदावन के दर्शन करके आए बाबा, बिहारी बाबा को लेके गए, और लाके लेके एक मंदिर का एक जगह था, बाबा को बैठा दिया। बाबा को बोला, बाबा आज एकादशी तिथि है, तो हमको इजाजत दो, थोड़ा अनुमति दे दो, हम पंचकोसी परिक्रमा करके आए। बाबा ने बोला, वाह अच्छा बात है, जा परिक्रमा करके आ, हम भजन करें इधर बैठ के, अब तो कुछ काम है नहीं। शाम सांस ढल गया, संध्या हो गया, रात 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 तो 10-11 बजे रात। बोला क्या करे, और रात को तो जागरण करना है, एकादशी के दिन रात जागरण करो तो अच्छा है, बड़ा महिमा। तो रात जागरण करे, एक जगह बैठे तो नींद आ जाएगा, ऐसा करके। तो ऐसा करे, हम परिक्रमा, बाबा हम एक काम करें, पंचकोसी परिक्रमा करके आ जाए, धीरे धीरे करेंगे, और सुबह तक आ जाएंगे, आपका सेवा में उपस्थित हो जाए सुबह तक सुबह तक आ जाएंगे, 4 बजे आ जाएंगे, 4:30 बजे। और बाबा को दंडवत करके निकल पड़ा, और रात का टाइम में हरे कृष्ण हरे राम करते करते परिक्रमा लगाया। आप परिक्रमा करते करते परिक्रमा मार्ग में जमुना का किनारे एक बड़ा बड़ा फंक्शन हो रहा है, मतलब कीर्तन हो रहा है बड़ा। अब वो हैरान हो गया, इधर कीर्तन हो रहा है, अच्छा ही हुआ, अब एकादशी का दिन है, अच्छा ही हुआ, संत महात्मा का ढेर है, इतना कीर्तन कर रहा है। वहाँ थोड़ा बहुत समय जो है वो गुजर लिया, और वहाँ सब महात्मा लोग कीर्तन कर रहे हो, हल्ला हो रहा है बहुत सुंदर। और जाने का टाइम में थोड़ा प्रसाद भी दिया, महात्मा जा रहे हो प्रसाद दे के जाओ, वो प्रसाद लेके माला फेरते हुए फिर सुबह के टाइम में पहुंचा, पहुंच के प्रसाद को रख दिया, और स्नान फान मना के बाबा का सेवा में उपस्थित हो गया। और बाबा का सामने बोला, बाबा हम दंडवत करके बोला, परिक्रमा बड़ा अच्छा हुआ हमारा, और एक संतों का एक झुंडू मिला, वहाँ बड़ा कीर्तन चल रहा था, शोर मचा के हम भी कीर्तन में हिस्सा लिया, और उसका बाद थोड़ा प्रसाद भी दे दिया, और प्रसाद रखा हुआ है, बाद में हम देंगे। अब प्रसाद को खोलने गया तो देखो, खून और पसी, खून है और मांस है, कुछ नहीं है, नाखून है, चूल है, बाल है, क्या बात है, हरी राम राम। बाबा को बोला, प्रसाद लाया था ऐसा? बाबा बोला, प्रसाद नहीं है, वो संतों का जो झुंडू है वो पीताता है। पीताता? बामन महाराज जी का जिंदगी में ऐसा हुआ है, भूतों का शादी दे दिया बामन महाराज जी गांव से गुजरते हुए सारे भूत आ गए, ओ ठाकुर मसाय, ओ ठाकुर मसाय, हमारा पास आ जाओ, ये शादी नहीं हो रहा है, टाइम जा रहा है, अब थोड़ा शादी मना दो। बामन महाराज जा रहा है, जोर जबरदस्ती लेके गया बाहर, ऐसा सुना है। तो ऐसा है, तो हमारा जगन्नाथ दास बाबा जी बोले, ये संत नहीं है, संत तो है ही है, लेकिन अभी जो है प्रताता है, वो ठाकुर जी का माल खजाना जो है वो लूट किया, ठाकुर जी का जो संपत्ति है सारे लूट किया, इसका पनिशमेंट जो है, इसलिए उसको पेताता बन के इधर बैठा और कीर्तन कर रहा है, ऐसा दिखावा, उसका मुक्ति नहीं हुआ। और उसका जोमराज जी, उसका भी अधिकार नहीं है, वो कीर्तन किया, नाम किया था, उसलिए जोमराज जी का अधिकार नहीं, उसको पकड़ के लेके ले जाए, कीर्तन तो किया था, नाम किया था, इसलिए उसका जो अभी जो केस है वो ये सल्यूशन नहीं निकला, सल्यूशन नहीं निकला। बामन महाराज जी का एक शिष्य है, बड़ा भले भोला, वो परिक्रमा करते हुए केसी घाट का उधर से गुजर रहा था,
क्या हुआ था, एक प्रेतात्मा उसका अंदर में घुस गया और उसका जो तबीयत है धीरे धीरे ऐसा सुंदर चेहरा है धीरे धीरे ऐसा होते जा रहा है। सब आदमी बोलते क्या हुआ तेरा, और कुछ तो नहीं हुआ। और रात का टाइम में उसका घर में आवाज आ रहा है। कोई बोले एक ब्रह्मचारी है उसका घर में, किसका आवाज आ रहा है? बोले लड़की का आवाज है। लड़की का आवाज? ब्रह्मचारी के घर में तो कोई लड़की आ ही नहीं। सुबह का टाइम में उसको जोर जबर से सबने घेर के बैठा, है बोल कौन है, कौन लड़की घुसा? और रोना शुरू कर दिया, कोई लड़की नहीं है, बोल ठीक से, झूठा मत बोल, हम आवाज सुना। अंतिम में वो बोलने के लिए मजबूर हो गया, बोला हमको बोला मार डालेगा, बोला हम मार डालेगा तू अगर बोले, पेतात्ता है पेतनी पेतात्ता। अब उसको हटाने के लिए सारे महात्मा लोग व्यवस्था किया, वह चल अब जाओ इस शरीर से, ये महात्मा का शरीर है, वो भजन बल नहीं था। आप सोचोगे भजन करने से भी पेतात्ता घुसता है, नहीं, भजन अगर नहीं है, शौचो कर्म नहीं है तो उसी का अंदर में, बाहर में तिलक है सब कुछ है, और भजन का बल नहीं है, कुछ नहीं है, शौचो कर्म आदि नहीं है, उसको पकड़ेगा। जिसका शौचो आदि कर्म परफेक्ट है, जो प्रवचन आदि करता है कथा सुन, उसको नहीं पकड़ेगा। बाद में जोर जबरदस्ती सारे मिलकर उसको घेरा, घेर के बैठा, पेतात्ता को कैसे जाएगा बोल तू? बोले एक महात्मा का, अगर वास्तव महात्मा का चरण का पानी दे दो हम चला जाएंगे। तो ठीक है, किसी महात्मा का नाम बोला, ये महात्मा तो है ही है, इसका पानी हम दे दे, वरना ही चलेगा नहीं। तो किसका पानी चलेगा? बोल तेरा जो गुरुजी है, ये जो जिसको पकड़ा हुआ हूँ उसका गुरुजी अर्थात बामन गुस्सी महाराज, बोले इसका चरण जल है तो दे दे। तो इसका चरण जल तो नहीं है, वो टूरा में है, अभी तब टूरा में था महाराज। बोले कहाँ टूरा है, कहाँ वृंदावन है, वहाँ से पानी कैसे लाए, तो संभव नहीं है। बाद में ढूंढते ढूंढते एक भक्त बोला हमारा पास है गुरुजी का चरण का पानी। बोले दे लिया, वो पानी जो है पानी लाया गया, उसका मुख में दिया तो प्रथा तो छोड़ गया। ऐसा कोई बनावटी कहानी नहीं है, वास्तव। यहां जो है जे असार संसारे विषय विष संगाकुल धिय खनार्धम क्षमार्थम पीब तो सुख गथातुल सुदम। तो संसार का मंथन कर रहे हो, थोड़ा सा होश संभालो। संसार का मंथन करते करते जहर भी उठ रहा है, और कभी कभी थोड़ा आपका अमृत, आहा कितना सुख है, पोता पोती लेकर ये भी आ रहा है, ये भी तो अमृत है ना, हैं? बहुत दिन से देखा नहीं, बहुत दिन से देखा नहीं, घर को जाना इच्छा होता है, घर को भेज दे, ऐसा ही है। तो ये संसार का नाम है असार। असारे संसारे विषय विष संगाकुल धिय, विषय का मंथन हो रहा है हृदय में, ऐसा करते करते जहर आ रहा है। असारे संसारे विषय विष, विषय को क्या बोला, विष। असारे संसारे विषय विष संगाकुल धिय, और खनार्धन खेमार्थम, थोड़ी सी पल भर के लिए बैठो शांत होकर और भगवत कथा का प्रवचन सुनो, शांत हो जाओ, ये सब पागलपंती छोड़ो। खनार्धन खेमार्थन, खमार्धन एक क्षण के लिए बैठो, दो चार शब्दों सुन के जाओ, दिमाग में घुसे, हृदय में घुसे तो मालामाल हो जाओगे, आज नहीं तो कल। खनार्धन खेमार्थम हैं पीबो तो सुख गथा अतुल सुधम। सुखदेव गोस्वामी का श्री मुखारविंद से जो पिघलते हुए जो अमृत है, अमृत का वर्षा हुई ना, अमृत का वर्षा हुई, ये अमृत पान करो, थोड़ा थोड़ा बहुत चख के देखो। सुख गाथा अतुल सुधम, अतुल सुधम तुलना नहीं की, ये जो सुधा है अमृत है, अनपैरेलल अनबीटन, ये सुधा का साथ किसी जगत का जो सुधा है, ये सुधा का कोई तुलना नहीं हो सकता। भागवत कथा का अमृत जो है, इसका साथ अगर किसी वस्तु का तुलना करने जाओ तो यू वुड बी पनिश्ड हैवीली, तुमको शास्ति दिया जाएगा, पनिशमेंट मिलेगा। कभी भी भागवत कथा अमृत का साथ
ये जो कुंभ मेला में जो अमृत मिलता है इसका तुलना मत करने जाओ, ये मत पूछो हम कुंभ मेला में गया था उसमें अमृत मिला, ये अमृता नहीं चाहिए, ऐसा मत बोलो, अपराध हो जाएगा। तो किमर्थम व्यर्थम बबुर्जो तो कुपते कुत्सित कथे, कि किस लिए तुम अपना जीवन को खराब कर रहे हो, किस लिए अपना जिंदगी को खराब कर दिया, कि किस कारण है। किमर्थम व्यर्थम भो ब्रज तो कुपते कुत्सित कथे, किस लिए गलत रास्ता पर जा रहे हो, किस लिए अपना जिंदगी को गंवा दिया, खराब कर दिया, किस लिए। एक बात प्रसंग में, एक इस प्रसंग में एक बात मैं कहना चाहूं, गुरुवर्ग से सुना है, बड़ा हंसी का बात है। बोले दो दोस्त है, दोस्ती बहुत बहुत बड़ा दोस्ती है, और ये दोनों दोस्त जो एक दूसरे का साथ ऐसा मिलता जुलता है, ये जो करे ये भी वो करे, ये जो बोले चल आज उधर घूम के आए, ये बोले चल ठीक है घूम के आए, और दोनों दोस्त में कदाचित एक दिन अपना मत का विरोध हो गया, किसी कारण हुआ, पूर्व संस्कार है। ये बोलता है चल वहाँ आज एक फिल्म आया है, फिल्म देख के आए, और ये बोला नहीं एक महात्मा आया है, वो महात्मा वृंदावन से आया हुआ है, उसका थोड़ा प्रवचन सुने चल। वो बोला नहीं वो फिल्म काल चला जाएगा, आज हम फिल्म को देख ले। बोला ना हम प्रवचन सुन नहीं जाएंगे, वो जे क्या होगा देख के। दोनों में थोड़ा मत विरोध हुआ, वो चला गया फिल्म देखने के लिए, ये चला गया कहाँ प्रवचन सुनने के लिए। लेकिन वो प्रवचन में बैठा हुआ है, वो भक्त तो है नहीं, गांव का ही आदमी है, और लेकिन वो प्रवचन सुनने के लिए बैठे हुए हैं, लेकिन उठ का मन चला गया दोस्त का पास, फिल्म का उधर। अरे कितना सुंदर फिल्म आज वो देख रहा है, को हमारा तो हुआ नहीं है, महात्मा का कड़ा प्रवचन, बड़ा कड़ा बात बोलता है, और प्रवचन सुनने को मिला, चलो ठीक है। अब बाद में क्या हुआ, वो जो है वहाँ जो फिल्म देखने के लिए वो सोचता है ये बड़ा अच्छा काम किया, महात्मा को उधर प्रवचन सुनने के लिए जाना था, हम तो नहीं गया, पर इधर फिल्म देखने मिली, बड़ा नरक का भाव है, बड़ा सोच में पड़ गया, अब फिल्म देखने में मन भी नहीं है, महात्मा को देखा था, महात्मा का दर्शन तो एक शब्द पहले सुना था, अब उसका मन महात्मा का पास ही चला गया, मन ही मन। और दोनों जो बाद में मिला, और हमारा गुरु वर्ग ने बोलता है दोनों में किसका क्या फल मिलता है बोलो तो, ये जो फिल्म देखने के लिए गया उसका सत्संग का फल मिल गया, वो साधु के पास मन चला गया, और ये जो है इसका भागवत कथा सुनने के लिए वो चला गया, उसका मन कहाँ चला गया है, फिल्म देखने के लिए मन भाग गया। तो तुम्हारा मन जहाँ है तुम वहाँ हो, तुम्हारा मन अगर ये प्रवचन में नहीं है तो तुम्हारा कथा का फल मिलना संभव नहीं है, दो चार शब्द हो गया तो सुकृति बन जाएगा। एक सुंदर घटना है इसमें, सारे जितना संसारी आदमी सामने बैठा हुआ सबका अक्केल हो जाएगा, बड़ा सुंदर कहानी, कहानी नहीं है वास्तव, ब्रजमंडल परिक्रमा चल रहा है, शिला भक्ति सिद्धांत तो सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जी ब्रजमंडल परिक्रमा किए थे, ब्रजमंडल परिक्रमा करने का बाद परम पूज्य केशव गोस्वामी महाराज जी ब्रजमंडल परिक्रमा का व्यवस्था किए थे, और ब्रजमंडल परिक्रमा परम पूज्य केशव गोस्वामी महाराज किए थे, परम पूज्य केशव गोस्वामी महाराज का बाद श्रील भक्ति देव माधव गोस्वामी महाराज जी और हमारा गुरु जी एक साथ रहते थे, हमारा गुरु जी का मठ मंदिर नहीं था, निष्किंचन एकदम। श्रील भक्ति देव माधव गोस्वामी महाराज जी 84 क्रोस परिक्रमा का व्यवस्था की, ऐसा नहीं कि गाड़ी लिया और जंगल में गया, थोड़ा गाड़ी उतारो देख लो ये है फिर गाड़ी में उठो एसी में, ऐसा नहीं, परिक्रमा तो परिक्रमा ही था। अब तो वृंदावन देखने जाए कि एसी का टिकट लिया आज गया, और दिल्ली से जो सेठ लोग जो आता है तो एसी गाड़ी लेके आता है, गाड़ी को पार्किंग कर दिया और मलाई खा लिया, कुल्फी खा लिया, सब खा लिया, फुचका भी खा लिया, कचौड़ी सिंगाड़ा समोसा सब खाने का बाद भले आप बिहारी जी को भी कुछ देना है तो माला ले लिया और थोड़ा कुछ बर्फी ले लिया और बिहारी जी को भी दे दिया, बिहारी जी आप भी संतुष्ट हो जाओ, अब भले बिहारी जी का दर्शन करके आए, ये भी कोई बिहारी दर्शन जी, बिहारी जी का दर्शन ऐसे होता है कभी, बिहारी जी का दर्शन ऐसे होता है, हैं कभी होता नहीं, कभी गोवर्धन परिक्रमा के लिए सारे सेठ लोग आता है दिल्ली से, इनकम टैक्स का
चक्कर में पड़ा हुआ, हे गिरिराज आपको दूध की धारा से परिक्रमा कर देंगे, हमारा ये लपड़ा चोटा हुआ, ये लपड़ा जुट गया है, उसको खत्म कर दो ठाकुर जी। और ठाकुर जी इसी कारण में जुटे हुए हैं। नृसिंहदेव का परिक्रमा, नृसिंहदेव को ये परमान्न भोग लगाते हैं, एक क्विंटल दूध का, एक क्विंटल दूध का परिक्रमा परमान्न भोग दिया नृसिंहपल्ली में नृसिंहदेव को। और फिर बाद में कोई समस्या आया तो नृसिंहदेव को गाली दिया, क्या याद नहीं है पिछले महीना में एक क्विंटल दूध का परमान्न दे दिया था, भोग लगा था, आज हमारे जिंदगी में ऐसा समस्या क्यों आया है? परमान्न खाने का टाइम ही याद नहीं था क्या? खूब खा लिया, आओ भाई हमारा समस्या आया। तो नृसिंहदेव को, गिरिराज जी को इसी काम के लिए इस्तेमाल करोगे, व्हाट इज द यूटिलिटी, इसमें फल क्या है? ठाकुर जी को गुलाम बना लिया, ठाकुर जी को नौकरी दे दिया ना, ठाकुर जी हमारा ये व्यवस्था कर लो तुम, नौकरी दे दिया। ठाकुर जी का तो नौकरी चाकरी है नहीं, तुम्हारा नौकरी चाकरी है, दुकानदारी है, और तुम ठाकुर जी को नौकरी दे दिया, तुम हमारा देखना समस्या ना आए, हैं हमारा पोता जो है परीक्षा में पास करे ठीक से, ठाकुर जी को सेवा में लगा दिया। ऐसा सेवा नहीं देना, गुरु जी का पास वृद्ध समय था, 100 साल का ऊपर गुरु जी का उम्र, उस टाइम में बहुत सारे आदमी आते और दंडवत के रोते हुए, महाराज हमारा लड़का 3 बार जो CA परीक्षा दिया पास नहीं हुआ, अब थोड़ा कृपा कर दो जैसे CA परीक्षा पास हो जाए। गुरु जी के पास गुरु जी हंसते थे, और कोई आया, इतना चेष्टा किया हमारा लड़की का शादी नहीं हो रहा है, थोड़ा आप कृपा कर दो जैसे शादी हो जाए। तो गुरु जी वो लोग जाने का बाद देखो हमारा पास आया ये सब मांगने के लिए। राजदरबार में पहुंचो और राजा का सामने बोलो, राजा जी आपका सामने कुछ थोड़ा आपका पास कोई भूसा है, कुछ वो बर्तन घिसने के लिए कोई छाई है ऐस, तो थोड़ा दे दोगे राख जो है बर्तन घुसने के लिए, थोड़ा राख दोगे? राजा जी बोले उल्लू है कि क्या है, हमारा पास राजदरबार में आया वो राख मांगने के लिए, राख तो कहीं भी मिलेगा? तो गुरु जी बोला देखो हमारा पास आया ये सब मांगने के लिए, क्या करे। अब कोई आदमी आया, गुरु जी को बोला वृंदावन से आए हैं। महाराज जी बोला वृंदावन दर्शन हुआ? हाँ महाराज, बड़ा भारी सुंदर दर्शन हुआ, लेकिन वृंदावन इतना डार्टी है, कोई उसका कोई जो ड्रेनेज सिस्टम ड्रेन अच्छा नहीं है, यहाँ टट्टी है वहाँ टट्टी है, और सुअर चारों ओर सुअर घूम रहा है। अब महाराज हमारा चश्मा लेके गया बंदर। ऐसा करके गुरु जी का सामने इतना लंबा चौड़ा एक ठो कंप्लेन जो है, कंप्लेन का एक तो पड़ा हुआ फर्दो बड़ा भारी फर्दो लगा दिया। अब जाने का बाद गुरु जी बोला देखा, जब वो लोग चला गया गुरु जी हंसते हुए बोला देखा बेटा, देखा ये लोग वृंदावन दर्शन करके आए। वृंदावन में डार्टी है, चारों ओर स्वेज सिस्टम नहीं है, चारों ओर कचरा है, टट्टी है, बंदर घूम रहा है, सुअर घूम रहा है, ये वृंदावन दर्शन कर गया है। और एक महात्मा का वृंदावन दर्शन किया, जैसे जयदेव को भी नाम सुने हो, पयल पोलय पयधिजले धित बान सिवेदम, ये जो लिखा हुआ है जयदेव को भी, इतना बड़ा कवि है, बड़ा भक्त है, उसका बड़ा कहानी है, हम नहीं कहेंगे। जयदेव को भी जब पागल का माफिक वृंदावन का ओर चल पड़े, पद्मावती पत्नी जाते जाते वृंदावन में कदम रखने का टाइम, वृंदावन का बॉर्डर है ना, यहाँ तक वृंदावन का सीमा है, वृंदावन में पैर रखने जाए तो जयदेव को भी मूर्छित होके गिर गया। वृंदावन में जब घुसने का, वृंदावन के जो बॉर्डर आ गया, वृंदावन तो बॉर्डर नहीं है, तो आप लोगों को समझाएं, वृंदावन है असीम अनंत, ये तो हम आपको समझाने के लिए बोल रहा है। तो ये जो है वृंदावन का जो 84 कोस का सीमा, इसमें पैर रखने जाए तो जयदेव को मूर्छित होकर गिर पड़ा। पद्मावती रोना शुरू कर दी, क्या हुआ, अब मूर्छा दशा आ गया, क्यों? बाद में जयदेव जी जब हुस में आया बोला कहाँ देवी, मैं क्या कहाँ हमारा पैर को रखे, जहां पैर रखने जाए वह श्याम सुंदर और लाडली जी और राधा रानी के चरण चिन्ह दिखाई पड़ता है, मैं अपना चरण को कहाँ धरूं,
कहाँ हमार चरण को रखे, चारों ओर श्याम सुंदर राधा रानी का चरण चिन्ह है, और वहाँ देखो वहाँ वंशीवादन कर रहा है राधा रानी को, राधा रानी को बगल में लेकर राधा रानी को एक साथ वो पैर का नीचे वंशीवट वहाँ मूर्छित होकर गिर पड़ा। एक वृंदावन है, मेरा गुरुजी जा बिरिजी वृंदावन दर्शन के लिए जाते थे, जब परम पूज्यवाद भक्ति तो माधव गोस्वामी महाराज का साथ वृंदावन परिक्रमा पे रहते हैं, उस घटना को बोल के हम छोड़ेंगे, बहुत इम्पॉर्टेंट, पूरा दिमाग घूम जाएगा आपका, आप सिंसियर हो जाओगे। तो पहले इस बात को खोल दें कि गुरुजी जब माधव गोस्वामी महाराज जी का जाने का चले जाने का बाद भी गुरुजी बहुत साल रहे, बहुत साल माधव गोस्वामी महाराज बहुत पहले चला गया, गुरुजी 103 साल तक 103-104 साल तक बहुत दिन तक रहे। तो गुरुजी जब अंतिम समय में 90 ईयर्स 92 95 ऐसा जो उम्र है गुरुजी किसी का, इधर गुरुजी को अगर परम पूज्य भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी कहते महाराज जी आपका लिए गाड़ी है, गाड़ी में बैठ जाओ परिक्रमा आप लगाओ, ना हम गाड़ी में नहीं चलेंगे, जिंदगी में गाड़ी में चले नहीं, हम पैदल चलेंगे, आपका कष्ट होगा आप गाड़ी में बैठ जाओ, और गाड़ी में बैठो हम पीछे पीछे चल रहे, नहीं गाड़ी में बैठेंगे नहीं। और ठीक है उसी वृद्धों में अपने 90 ईयर्स से 92 ऐसा करके किसी भक्तों का इधर हाथ रखे, धीरे धीरे एक हाथ में लाठी पूरा वृंदावन दर्शन करते कर जा रहा है, राधा कुंड का किनारे जाके विह्वल हो गया और दंडवत करके उठते ही नहीं, और किसी भक्तों ने, भक्त तो नहीं है मेटेरियल आदमी है, भक्तों का बेस बना के बैठे हुए हैं, वो लोगों का एक टीम बनाया, गुस्सा हो गया, और तीर्थ महाराज जी आचार्य है, अब मेरा गुरुजी को गुरुजी मानते हैं, गुरुजी का गुरु है, उनका गुरुजी का गुरु है, माधव गोस्वामी महाराज मेरे गुरु जी है, मेरा गुरु महाराज गुरुजी है, वो सीनियर गॉड ब्रदर बहुत बड़ा, परम पूज्य माधव गोस्वामी महाराज से उम्र से बड़ा है, आपस में तो भक्त ही है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। तो उसमें क्या हुआ, पीछे से कोई भक्त लोग है एक साथ महाराज जी का साथ में सामने आकर शिकायत किया, श्रील पुरी गोस्वामी महाराज जी जो है वो अगर धीरे धीरे परिक्रमा करते ही चले तो हमारा देर हो जाता है, हमारा इतना देर हो जाता है, वहाँ कब पहुँचे कब भोजन करे, ऐसा बोला महाराज जी आस्ते आस्ते परिक्रमा करते हैं, उसका पीछे परिक्रमा हम लोग को देरी हो जाता। और महाराज जी क्या है आँख फाड़ गया, एकदम गुस्सा हो गया महाराज जी, भक्तों का अपमान हुआ ना, तीर्थ महाराज जी आंख जैसा हो गया, जाओ आप लोग जाओ परिक्रमा करो आगे चले जाओ, हम नहीं जाएंगे, हम तो ये महात्मा का पीछे जाएंगे, क्योंकि महाराज जी का पीछे जाएंगे चलेंगे तो वृंदावन दर्शन होगा, क्योंकि महाराज जी वृंदावन दर्शन करते हैं, महाराज जी का पीछे हम चले तो हमारा भी वृंदावन दर्शन हो जाएगा, महाराज जी का पीछे पीछे वो अनुभव हमारा अंदर में भी आ जाएगा, तुम लोग जाओ आप चले जाओ जल्दी जाके भोजन पानी करके सो जाओ आराम करो कुछ भी करो, इसीलिए तो वृंदावन आए हो, जाओ। गुस्सा होके, कभी भी गुस्सा नहीं करता महाराज, लेकिन वैष्णव का अपमान हुआ था ऐसा गुस्सा के, जाओ चले जाओ भोजन करो आराम करो जाओ जल्दी चले जाओ, हम इसका पीछे जाए महाराज जी का पीछे जाए। बहुत दिन पहले का बात है कह रहा हूँ, ये जो घटना हम बोला इसका बहुत पहले का, माधव गोस्वामी महाराज जी गुरु जी सारे भक्त लोग जो है 84 को चल रहा है, 84 के चलने का ऐसा विधान था, चलते समय सब पैदल चले, कोई गाड़ी नहीं इस्तेमाल, गाड़ी का कोई साधन का कोई व्यवस्था नहीं, से एक बैलगाड़ी है, बैलगाड़ी में सारे सामान को जैसे रसोई करने का जो सामान है चूल्हे हैं फिर वो कढ़ाई है, इतना आदमी भोजन करेगा तो हाँड़ी है ना पात्र है, वो गाड़ी में चढ़ाकर और जो सामान है लेप जो शरीर में देने का चादर कंबल सारे गाड़ी में चढ़ा दे, 2-10 गाड़ी बैलगाड़ी वो गाड़ी लेकर नेक्स्ट परिक्रमा यहाँ से चलकर जहाँ जाएगा वहाँ जाके वो सामान बैलगाड़ी वो जाके उधर छोड़ देगा सामान, और भक्त लोग कीर्तन करते करते परिक्रमा दर्शन करते करते अभी चरण पहाड़ी कभी गोवर्धन कभी दर्शन करते करते धीरे धीरे वो जाएगा बाद में पहुँचेंगे, ऐसा करते करते वहां भी टेंट होगा, टेंट जानते हो ना तांबू, वहां टेंट लगा के रख देगा, भक्तों लोग जब पहुंचे वहां टेंट का नीचे विश्राम करे, टेंट लगा हुआ है तांबू वो टेंट का नीचे सब, और महाराज जी
महाराज जो है तो गुरुजी माधव गुस्से में सब रहते, और दो 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 तीन ब्रह्मचारी ऐसे रहते, ऐसा ब्रह्मचारी है जो ब्रह्मचारी रात भर सोएगा नहीं, मसाल मसाल जलाकर वो टेंट का चारों ओर जो तांबू का चारों घूमते रहेंगे, क्योंकि उस जमाने में जंगली जानवर भी है, कोई आके टेंट का अंदर में उठा के ले जाए बच्चा को तो कोई, इसलिए चारों हाथ में लाठी और सारा रात जो है ब्रह्मचारी जो है और तीन चार ब्रह्मचारी मसाल लेकर घूमते रहते चारों और लोग सोते हैं। इसी बीच में एक बुढ़िया क्या की, वो बुढ़िया रात को उठ के किसी को पूछा नहीं, और कैसे जो है दो दो तीन ब्रह्मचारी तो है ही है उसमें क्या, वो बूढ़ी किसी को बिना बताए चल गई, पानी पानी का जरूरत हो पानी के लिए कुएं के पास गए, बुढ़िया है बहुत बुढ़ी, और किसी को बोले नहीं पानी का जरूरत, बोले वह बोली नहीं, वहाँ जाके पानी लेने के लिए वो जो 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 डब्बा है उसको डुबा नीचे फेंक दिया कुएं कुएं से पानी खींचने खींचने के टाइम में क्या हुआ, वो जो है स्लिपरी था स्लिप, और झट से पानी नीचे चला गया, कुआ भी उतना ऊंचा नहीं था, बूढ़ी गया पानी का अंदर बूढ़ी गया पानी का अंदर जाके ओ ओ ओ कर रहा है, क्या बात है वो कर रहा है क्या बात है, ब्रह्मचारी लोग का आवाज नहीं आया। इसी बीच में किसी ब्रह्मचारी का पानी का जरूरत है और पानी लेने के लिए, अब ठाकुर जी का कैसा खेल है, क्योंकि महात्मा का बदनाम हो जाएगा कोई मारा जाए, तो इतना सिद्ध महात्मा है वहां मारा गया हमारा लड़का, तो एक महात्मा जो है ब्रह्मचारी का पानी का जरूरत पड़ा, वो पानी के लिए वो कुआं के पास गया, बोले वहां से आवाज आ रहा है, एक आवाज काहे का, वो लाइट लगा कर देखा तो एक बूढ़ी पड़ा हुआ है, बूढ़ी पड़ी हुए, तो सारे हल्ला मच गया, गांव वाले सब आ गया आके एकदम हल्ला चिल्ला सारे जुट गया उधर, और बूढ़ी को कैसे बचाया जाए, बूढ़ी तो हिम्मत ही नहीं है, रस्सी फेंक दे उसको पकड़ के आ जाए उसका हिन्ना मच, बूढ़ी कैसे आए, एक हो सकता किसी डब्बा को नीचे कर दो, बूढ़ी अगर किसी भी हालत से उसमें बैठ बैठ गई तो उसको खींच के उठाए, तो किसी भी हालत से उधर से धीरे 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 बूढ़ी को उठा के पेट से पानी जो है निकाल दिया, और फिर बूढ़ी होश में आया, और उसी दिन रात को 12-1 बजे वो घटना हुआ, और सुबह के टाइम में जो परिक्रमा दूसरे जगह चलेगा, अब तो चलेगा इस जगह हो गया, फिर दूसरे जगह जाके टेंट पड़ेगा, उसी टाइम पे श्री भक्ति तो माधव गोस्वामी महाराज मेरा गुरुजी अब प्रवचन दिया, एक सुंदर अ पीस ऑफ लेक्चर, सुंदर घरी कथा, बोलो देखो ये जो कुएं हैं ये कुएं में पानी मिलता है, पानी मिलता है ना, बोला हाँ, अब पानी मिलता है इसीलिए आदमी गया पानी का खोज में और गिरे हुए देखा तो निकाल दिया, अगर ये कुएं हैं इस कुएं में अगर पानी नहीं मिलता तो कोई जाएगा नहीं, मेरा बात समझा, ऐसा भी तो कुएं है अंधा कुआ नहीं है जिसमें पानी नहीं है, गांव वाले को भी कुएं का सामने नहीं जाएगा, नहीं जाएगा कभी नहीं जाएगा, तो महाराज जी सुंदर प्रवचन दिए, बोले देखो आज कैसा ठाकुर जी का खेल है, एक सुंदर हरिकथा सुनो, जिस कुएं में पानी मिलता है अक्सर आदमी जाता है, कुएं में कोई गिरा हुआ गिरे हुए देखेगा, गिरा हुआ आदमी को देखे तो उठा के निकल कर दे, अब पानी नहीं होता तो अंधा कुआ है तो कोई तो नहीं जाएगा उसमें, उठाने वाला कोई होगा नहीं, जाएगा ही नहीं, ऐसे जिस संसार में तुम्हारा जो संसार है, इस संसार में अगर साधु संतो महात्मा का बड़ा प्यार है तो ये संसार तो है ही है, कूप है, संसार को कूप माना गया, भागवत में बहुत जाएगा, भागवत में बहुत जाएगा, संसार को कूप बोला, कुएं कुएं जैसा, ये संसार कूप जैसा है, ये कुएं तो है ही है, लेकिन ये कुएं में अगर पानी मिलता है और तब संत महात्मा का कोई रोटी मिलता है, दो रोटी जैसे ब्रजवासी के पास हम भिक्षा करके खाते थे पहले जंगल में, पर अगर दो ब्राह्मणवाड़ी है श्रद्धा भक्त है तो उसमें क्या, वो संसार में संत महात्मा जाते जानते एक गाली नहीं देता, प्यार करता है, तो उसमें गया तो दो चार शब्द कह दिया, संसार में कोई दुख हुआ कि किसी का पतन हुआ तो निकल के बाहर कर देंगे, और अगर उसमें संतों का कोई प्यार नहीं है सिर्फ गाली देता है फटकार देता है भागो यहां से, देता है ना किसी किसी जगह संतों महात्मा को गाली दे भाग यहां से मांगने के लिए आया है, तो वो जो संसार है उसको अंधा कुप माना गया, वहां कोई संत महात्मा जाता नहीं क्योंकि वो जानता गाली देगा,
वो जाएगा ही नहीं, चाहे धोनी हो तो वहाँ जाएगा नहीं, वहाँ संत महात्मा जाएगा नहीं और दो शब्द कहेगा भी नहीं, वो अंधेरा तो अंधेरा ही अंधेरा में रह जाएगा, जब जिंदगी भर अंधेरा अंधेरा में वो रह जाएगा, उसका कोई निस्तार होने वाला नहीं है, इसका कोई उद्धार नहीं हो सकता। आज यहाँ तक प्रवचन को समाप्त करें। असारे संसारे विषय विश्व संघा कुल खनार्धम खेमार्थम पिबतो सुख गाथा तूल सुधम किमर्थम व्यर्थम भो ब्रजतो कुपते कुत्सिते कथे परीक्षित साक्षी यत सवर्णगतो मुक्ति युक्ति कथने। आपको याद नहीं है परीक्षित महाराज को हरि कथा सुनाने का बाद सुना के सुखदेव गोस्वामी मुक्त कर दिया था, ये याद नहीं है, ये चुनौती दिया। वांछा कल्पतरु से कृपा सिंधु पतितानंग पावन वैष्णव भ्यो नमो।